आइए बेटे, हम लोग करेंगे अपने पास आज एक नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ट्वेंटी, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर, लो बेटे, मैं आपको कराने जा रहा हूं आज सबसे आसान अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और मैंने तीन मार्कर लगाए, तीनों के तीनों मार्कर नहीं चले, लेकिन चिंता की बात नहीं बेटे, कैसे ना चलेंगे, एक और मार्कर ट्राई करूंगा मैं। सबसे ज्यादा आसान स्टैंडर्ड है बेटे अर्निंग पर शेयर, और जिसके अंदर हमें हमारे इंस्टीट्यूट ने बता रखा है कि हम किस प्रकार से अपनी कैलकुलेशंस करते हैं अर्निंग की। ES 19 भी है हमारे कोर्स में, तीन ही तो बचे हैं, 19, 20 और 26। 19 बहुत छोटा सा, आप अपनी किताब में देखें जो हमने करना है। 20 और 26 थोड़े बड़े हैं, इसलिए मैं पहले बड़े स्टैंडर्ड्स को लेकर चल रहा हूं अपने पास, ठीक है। आइए हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अर्निंग पर शेयर, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें अर्निंग पर शेयर निकालना सिखाता है कि हम अर्निंग पर शेयर कैसे कैसे निकालते हैं। आइए फटाफट से हम लोग अपने पास इस स्टैंडर्ड के हिसाब से अर्निंग पर शेयर निकालना सीखें। पहले मैं फॉर्मूला लिखवाऊंगा, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। लिखें, ईपीएस इज ऑफ टू टाइप्स। बेटे आप लोगों ने एफएम में और पता नहीं कहां कहां इसको पढ़ रखा है, तो हमारे पास ये अर्निंग पर शेयर दो प्रकार की होती है। एक होती है हमारे पास बेसिक अर्निंग पर शेयर, बेसिक ईपीएस, और दूसरी होती है डाइल्यूटेड ईपीएस। दो अर्निंग पर शेयर होती हैं, एक बेसिक और एक डाइल्यूटेड। बेसिक मतलब जिसे आप साधारणतः अर्निंग पर शेयर बोलते हैं, और डाइल्यूटेड मतलब जिसको हमने डाइल्यूट करके पतला करके देखा है कि हाँ इस अर्निंग पर शेयर का भविष्य क्या हो सकता था। पहले हम इसके अंदर लिखेंगे नंबर दो पर बेसिक अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू, बेसिक अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू, हाँ जी, इसका फॉर्मूला लिखेंगे बेसिक अर्निंग पर शेयर का, अर्निंग्स एट्रिब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, वेटेड एवरेज ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स। हाँ जी बेटे, बस तीन ही पॉइंट लिखवाने हैं, एक लिखवा दिया, दूसरा लिखवा दिया, लेकिन दूसरे के अंदर बड़ी सारी बातें हैं, फिर तीसरा बाद में लिखवाऊंगा। लिखे नोट्स, अब सारे के सारे नोट्स जितने लिखाऊंगा वो इसके होंगे, बेसिक अर्निंग पर शेयर के होंगे, इसलिए आप बेसिक अर्निंग पर शेयर के बारे में लिखना शुरू करेंगे। लिखे अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स इज इक्वल टू, ये कैसे निकालते हैं, तो लिखें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस सीडीटी ऑन प्रेफरेंस डिविडेंड, सीडीटी ऑन प्रेफरेंस डिविडेंड इज इक्वल टू अर्निंग्स, इसे हम प्यार से अर्निंग्स बुलाते हैं, इज इक्वल टू अर्निंग्स।
लिखे डू नॉट डिडक्ट एनी जनरल रिजर्व और डिविडेंड फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑल एक्सपेंसेस एंड टैक्सेस हैव बीन डिडक्टेड वाइल कैलकुलेटिंग पीएटी। पीएटी निकालते वक्त हमने सब चीजें माइनस कर रखी। अभी समझाऊंगा बेटे, चिंता मत करो, पहले इसको लिख ले। पहला आपने नोट वन लिखा था, अब आप नोट नंबर दो लिखेंगे। आपको रियाज पहले वो बात लिखवानी पड़ेगी, बच्चे ने भी लिखी नहीं है, आप वही लिखवाइए। हाँ मैं रियाज बता दूंगा आपको। एवरेज ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ शेयर्स प्लस शेयर्स इश्यूड ऑन टाइम बेसिस। प्लस बोनस शेयर्स विदाउट टाइम बेसिस। आजिए आगे, आजिए रियाज। विदाउट टाइम बेसिस, इज इक्वल टू एवरेज ऑफ शेयर्स। इफ शेयर्स आर पार्टली पेड अप कॉमा देन above calculations are made in rupees then above calculations are made in rupees hum wo calculations rupayon mein karte hain। फटाफट से लिखेंगे एक बार रियाज, आपको पिछले वाला बोर्ड फिर से दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये कह रहे हैं कि हमने अभी लिखा नहीं कुछ बच्चों ने। पहले ये लिख लेने दो, चलो और दिखाओ दिखाओ, यहां तक दिखाओ पूरा। चलो कोई बात नहीं रियाज, अब चलने। अरे रियाज कुछ भी करो। बेटे सबसे आसान स्टैंडर्ड है हमारे पास जो हम लोग कर रहे हैं, जिसमें कोई भी परेशानी नहीं, केवल और केवल आपको उसके अंदर पता होना चाहिए कि हम किस प्रकार से कैलकुलेशंस करेंगे। हमारे पास इस पर दो बार क्वेश्चन भी आए हुए हैं, एक तो P7 क्वेश्चन आया हुआ है और एक P8 क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो आइए जरा हम फटाफट से इसको समझें कि ये क्या चीज है। वो कह रहे हैं जी आगे से हट जाओ। लो भाई लो, आगे से हट गया मैं। बेटे बीप की जो आवाज हमारे यहां से आ रही है वो शायद कुछ यहां बज रहा होगा, मैंने तो सुनी नहीं। नोट नंबर दो इसको दिखाना एक बार।
19 बेटे मैं कराऊंगा थोड़ी देर बाद। मैंने पहले ये 20th उठाया है क्योंकि ज्यादा रेलेवेंट है और ऑफ कोर्स लंबा भी है, इसलिए मैंने पहले इसको उठा लिया। मैंने कहा चलो पहले इसको करेंगे हम लोग। बस जी, हाँ जी, तो मैं आपके साथ आज बात करूंगा अर्निंग पर शेयर के बारे में। बेटे बहुत ही आसान स्टैंडर्ड है जो हम करने जा रहे हैं, और मजे की बात यह कि एक मैथमेटिकल स्टैंडर्ड है ये, इसको थ्योरी का नाम देना गलत होगा। और बेटे बिल्कुल सीरियसली मैं नहीं चाहता कि आपको मैं लास्ट डे डांटूं, हाँ, तो इसलिए कृपा करके बठिंडा के अंदर जो लगभग आखिरी में कॉर्नर के ऊपर जो कुछ गर्ल्स बैठी हैं वो बातें कर रही हैं, अब ठीक है, अब चुप हो गई हो तो बेटे कृपा करनी है आपने हम पर। तो हम जो बात कर रहे थे, हाँ बस 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 और बातचीत बंद। तो हम बात ये कर रहे हैं बेटे कि सबसे आसान और प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड है, और अर्निंग पर शेयर तो आप लोग निकाल निकाल कर बूढ़े हो गए। अर्निंग पर शेयर के साथ कब का जमान पाला पड़ा हुआ आपके साथ, जब आप छोटे छोटे थे तब भी आपको कहा जाता था कि अर्निंग पर शेयर निकाल कर दिखाइए। अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है बेटे एक शेयर पर कंपनी ने क्या अर्निंग करी। भाई बात भी सीधी सी है, मैं पता मेरे पास किसके शेयर है, मैंने बताया भी था, पिकार्डली शुगर्स के शेयर है, वो मनु शर्मा वाली जेसिका अत्यालान वाली वो जो मालिक है उसके शेयर मेरे पास पड़े हुए हैं। मेरे को हमेशा रहता है कि हाँ मुझे पता चल जाए कि मेरी कंपनी ने क्या कमाया। हालांकि मेरी कंपनी ने कुछ भी नहीं कमाया, लेकिन विश्वास तो रहता है कभी ना कभी चिट्ठी आएगी और कहेंगे हमने आपके लिए हमने इतने रुपए कमाए, क्योंकि मैंने पैसे लगा रखे हैं, तो कभी ना कभी तो कमाएगी कंपनी उसके अंदर। बेटे अर्निंग पर शेयर उसी का एक तरीका है, जहां पर हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि कंपनी ने मान लो 1,00,000 रुपए कमाए और कंपनी के मान लो 1,000 शेयर होल्डर्स हैं। अगर कंपनी 1,00,000 रुपए कमाती है और 1,000 शेयर होल्डर हैं, तो अर्निंग पर शेयर मतलब एक आदमी के हिस्से में कितनी अर्निंग आई। तुम अर्निंग को समझ लो खीर, और इक्विटी होल्डर समझ लो खीर खाने वाले। तो मैं कह रहा हूं अर्निंग पर शेयर मतलब खीर पर शेयर, एक व्यक्ति के हिस्से में कितनी खीर आनी है, दैट इज अर्निंग पर शेयर। तो एक व्यक्ति के हिस्से में कितनी खीर आनी है, उसको निकालने का तरीका क्या है। सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि भाई खीर बनाई कितनी थी, पहले देखना पड़ेगा हमने प्रॉफिट्स कमाए कितने थे, उनमें से जो जो खीर हमने दे देनी है लोगों को पहले दे डालो, अपने हिस्से की जो खीर बचेगी वो फिर हम सारे के सारे परिवार वाले बांट लेंगे, और एक व्यक्ति के हिस्से में जो खीर आएगी उसका नाम है अर्निंग पर शेयर। यानी एक कंपनी एक शेयर के लिए क्या कमाती है वो अर्निंग पर शेयर है। दो तरह की अर्निंग पर शेयर होती है, एक होती है बेसिक अर्निंग पर शेयर, एक होती है डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। अब छोड़ो ना बेटे क्या ये आवश्यक है कि मैं आपको पहले दोनों में अंतर बताऊं, नहीं सर इसमें हमको कोई आवश्यकता नहीं पहले अंतर की। पहले समझ तो ले कि अर्निंग पर शेयर बेसिक निकालते कैसे, फिर डायल्यूटेड से भी अंतर बताएंगे, हमें पता तो चल जाए होती क्या है, अंतर तो तब निकाले। असल में होता क्या, बचपन से ही आप लोगों को आदत डाल दी गई, अकाउंट्स की किसी को नॉलेज नहीं होती, और सबसे पहला सवाल आता व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अकाउंट्स एंड साइंस। बच्चा कहता मुझे क्या पता, अभी तो आए हूं कॉमर्स में। 11th क्लास के बच्चों को इम्तिहान पूछा जाता है कि डिफरेंस बताएं वेदर अकाउंट्स इज साइंस और आर्ट्स और कॉमर्स, वो यही सोचता है कि आज तक लगता है ये सवाल बना हुआ है कि अकाउंट्स है क्या। बच्चा यही समझता है कि शायद ये जाना ही नहीं जा सका कि अकाउंट्स होता क्या है, और मैडम कहती है ये साइंस भी है ये आर्ट्स भी है, कहता अच्छा ये सब कुछ है, इसका मतलब ये कि अभी तक इन्हें भी नहीं पता चला ये क्या है। बेटे वही बातें बता रहा हूं आपको सारी की सारी में, कि हमारे पास शुरुआत में डिफरेंस पूछना बेवकूफी है, शुरुआत में मत पूछो डिफरेंस, इसलिए अभी मेरे से बेसिक और डायल्यूटेड का अंतर मत बोलो। मैं कहता हूं पहले इसके भीतर समा जाओ बेसिक और डायल्यूटेड के, तो अंतर अपने आप सामने दिख जाएंगे, समक्ष दिख जाएंगे कि होते क्या है। इसका मतलब हम लोग अब आगे चल रहे हैं और बेसिक का केवल चर्चा कर रहे हैं, भूल जाइए डायल्यूटेड को। और बेसिक को ही आप लोग अपने FM के अंदर कैलकुलेशंस करते हैं, आप लोग CFM पढ़ते होंगे गौतम सेठी सर से, तो उनके यहां पर जो पढ़ाया जाता है अर्निंग पर शेयर वो बेसिक ही पढ़ाई जाती है। बस मैं आपको आज निकालने के लिए आया हूं, मैंने कहा चलो आओ बेटे बता दे बेसिक अर्निंग पर शेयर क्या होती है।
दो उसकी चीजें हैं, एक तो है बेटे न्यूमरेटर और एक है डिनोमिनेटर। यहां पर देखें बेसिक इधर इधर इधर, हाँ जी, तो बेसिक अर्निंग पर शेयर में एक न्यूमरेटर है कितने की अर्निंग्स हुई इक्विटी शेयर होल्डर्स की, इक्विटी शेयर होल्डर्स की अर्निंग कितनी होती है, और डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज ऑफ आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, कितने आपके आउटस्टैंडिंग शेयर्स थे। बेटे पहले अर्निंग्स को निकालना सीखा हमने कि अर्निंग्स क्या होती है। अर्निंग्स निकालना बेहद आसान है, कंपनी की अर्निंग्स को क्या बोलते हैं, पीएटी। ये कंपनी की अर्निंग्स है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इस अर्निंग में से सबसे पहले तो माइनस कर दीजिए जो आपने प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड देना है। सर प्रेफरेंस वालों से पहले जो डिवेंचर वालों को देना है और जो लोगों को देना है वो सब घट चुके बेटे। जब मैंने पीएटी निकाला तो पीएटी में सारे के सारे खर्चे घट चुके हैं, पीएटी में सारे के सारे टैक्सेस घट चुके हैं। ये बात मैंने नीचे लिखवा दी आपको। मैंने कहा बेटे ऑल एक्सपेंसेस एंड टैक्सेस हैव ऑलरेडी बीन डिडक्टेड व्हाइल कैलकुलेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसका मतलब ये कि इसमें सब कुछ रिड्यूस्ड है, बस इसमें घटावा नहीं था तो क्या, प्रेफरेंस वालों का। तो प्रेफरेंस का डिविडेंड तो था उसी पर सीडीटी, हम अगर माइनस कर दें तो हमारे पास क्या निकल कर आती है, अर्निंग्स। ये अर्निंग्स किसके लिए होती है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, क्योंकि आपने इस प्रॉफिट में से इन लोगों को जो देना था दे दिया, तो हमारे लिए कितनी अर्निंग्स बच गई वो निकाल दी। सावधानी है तो बता रहा हूं कि आपने इसमें से कोई भी जनरल रिजर्व, कोई भी डिविडेंड माइनस नहीं करना जो इक्विटी वालों को बिलोंग करता होगा। मैं इतनी बात पर पहले एक सवाल करा दूं, इतनी सी बात पर पहले एक सवाल करा दूं, अभी मैंने ये दूसरा पॉइंट समझाया भी नहीं, इतनी सी बात पर ही हम सवाल करेंगे। क्या बात है सर, इतनी सी बात पर भी सवाल है? हाँ इतनी सी बात पर ही सवाल है। आइए मेरे साथ साथ पॉइंट नंबर देखेंगे, पेज नंबर 821, पेज नंबर 821। सीडीटी होता बेटे कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, आपने कंपनी फाइनल अकाउंट्स में कर रखा है ये। क्वेश्चन नंबर P8, पेज नंबर 821, ये सवाल कब आया था, मई 2008 के अंदर भी कब आया था, क्वेश्चन नंबर नहीं मुझे पता, लेकिन चार नंबर का सवाल ये हमारे पास आया था। चलो ठीक है भाई, समझ में आ गई बात, अब आगे भी चलने का नाम लोगे कि नहीं चलोगे। मैंने कहा चल रहा हूं बेटे, चल रहा हूं। प्रॉफिट बिफोर VRS पेमेंट्स बट आफ्टर डेप्रिसिएशन, VRS की पेमेंट घटाने के पहले लेकिन डेप्रिसिएशन घटाने के बाद किसी कंपनी के 75 करोड़ के प्रॉफिट है। क्वेश्चन लिखा हुआ फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर। बेटे खाली ईपीएस लिखा हो तो हमेशा कौन सी ईपीएस निकालेंगे, बेसिक अर्निंग पर शेयर निकालेंगे। तो वो कहता है आपको कि हमारे प्रॉफिट VRS की पेमेंट, VRS एक खर्चा है वॉलेंट्री रिटायरमेंट का, वो कहता है जी वॉलेंट्री रिटायरमेंट के खर्चे घटाने से पहले हमारे प्रॉफिट कितने हैं, 75 करोड़। डेप्रिसिएशन कितने की है, 10 करोड़। VRS की पेमेंट्स कितनी है, 32.10 करोड़। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितनी है, 10 करोड़। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स है 5 रूपये का। पेड अप शेयर कैपिटल है 93 करोड़। और वो कहता है कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर, मेरे पास आंसर आना भी शुरू हो गए, कोई कह रहा है 3 रूपये, कोई कह रहा है 1.90 रूपये, कोई कह रहा है 42 रूपये। तीन आंसर आए हैं और तीनों आंसर एक जनकपुरी से, दो आईएमए से अलग अलग आंसर आए हैं। तो मैं बेटे इंतजार कर रहा हूं, और बठिंडा वाले बच्चे हड़ताल पर हैं। बेटे हड़ताल का कारण बताइए मुझको कि हड़ताल पर क्यों है। गोरखपुर का आंसर भी 1.90 रूपये, आईएमए का आंसर 3 रूपये, जनकपुरी का आंसर भी 3 रूपये, आईएमए का एक आंसर 1.90 रूपये और एक आंसर 42 रूपये भी आया था। भाई ये तो तीन तीन आंसर आ रहे हैं, हर जगह से तीन तीन आंसर हैं, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे भी कर लेना चाहिए सवाल का आंसर। हाँ जी, जिनके पास किताब ही नहीं है वो बात दूसरी है। प्रॉफिट बिफोर VRS,
वीआरएस पेमेंट घटाने से पहले लेकिन डेप्रिसिएशन घटाने के बाद, आफ्टर डेप्रिसिएशन 75 करोड़ के प्रॉफिट्स हैं, डेप्रिसिएशन 10 करोड़ है, डेप्रिसिएशन 10 करोड़ है, वीआरएस 32.1 करोड़ है, वीआरएस एक खर्चा है 32.10 करोड़, पीटी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 10 करोड़ और फ्रिंज बेनिफिट टैक्स एफबीटी कितने की है 5 करोड़। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स नहीं सॉरी नंबर नहीं है पेड अप शेयर कैपिटल है, पेड अप शेयर कैपिटल है 93 करोड़। हम सबसे पहले क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ, क्या कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बेटे हम लोगों को अपने पास, अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो मुझे लिख के बताएं, प्रॉफिट्स 75 करोड़ का है, इसमें डेप्रिसिएशन घटी हुई है तो क्या दोबारा से डेप्रिसिएशन को हम माइनस कर दें? नहीं भाई नहीं, वो तो पहले ही घटी हुई है, ये तो पहले ही आफ्टर डेप्रिसिएशन है, इसको थोड़ा ना माइनस करेंगे। वीआरएस क्या सारे खर्चे माइनस करने होते हैं? हाँ भाई हाँ, 32.10 ये माइनस कर दिया क्योंकि बेटे ये प्रॉफिट में भी खर्चे भी चार्ज नहीं है तो टैक्स तो पक्का माइनस नहीं हो रखा होगा, नेट प्रॉफिट में टैक्स घटा होता है तो यहां तो भी प्रॉफिट में कुछ चीजें घटनी बाकी है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स कितने का है 10 और एफबीटी ये बेटे नया टैक्स निकाल दिया चिदंबरम जी ने, जितने इंप्लॉइज को हम फायदे देंगे उस पर भी टैक्स लग जाएगा। हाँ जी अब मुझे बताएं बैलेंस क्या आया, बेटे आई में वाले बच्चों को मैंने दो क्लास पहले भी डांटा था और आज फिर से एसी के नीचे वो जो बच्चे बैठे हैं दो बच्चे, जरा वो फिर से ध्यान दें, क्या उनको अच्छा लगेगा कि मैं लास्ट क्लास में उनको फिर से बाकी सब बच्चों को दिखाऊं कि हाँ भाई देखो देखो ये नालायक है। ये आ गई जी अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, आई में बेटे सेकंड फ्लोर के ऊपर अभिषेक जी तुम ऐसी दर्दनाक बातें मत करो, तुम ये बिछड़ने बिछड़ने की बातें करोगे तो मैं रो पड़ूंगा, इसलिए तुम सिर्फ सवाल पे ध्यान दो बेटे, तुम ऐसी ऐसी बातें करो तो मेरा गला भर आता है। पेड अप शेयर कैपिटल, किसी भी प्रकार के शेयर और इस तरह की बातें मत लिखकर भेजे मुझे आप, और सिर्फ काम की बात करें, अगर 93 करोड़ रुपीस की कैपिटल है और एक शेयर 10 रुपीस का है तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए 9.3 करोड़, तो व्हाट इज बेसिक अर्निंग पर शेयर, बेसिक अर्निंग पर शेयर क्या निकल कर आएगी डिवाइडेड बाय 9.3, 3 रुपए बेसिक अर्निंग पर शेयर है 3 रुपए, और कई जगहों से ये आंसर ठीक आया था और जनकपुरी वाले बच्चे नाचना शुरू हो गए, कह रहे हैं 4 नंबर फ्री के हैं और इसके अलावा बस, और मुझे पता नहीं कहां कहां से आए थे लेकिन 2-3 जगह से और 3 रुपए का आंसर आया था, शायद आईएमए से भी आंसर आया था, जनकपुरी से भी आंसर आया था 3 रुपए का। बहुत अच्छी बात है बेटे, इस तरह के सवालों में कुछ भी नहीं होता सर इतना लंबा आंसर है, अरे ये फालतू की बात है, ये तो सवाल लिखा हुआ मैंने, आंसर तो ये है, इतना सही सा आंसर है बस, इसको दोबारा क्वेश्चन थोड़ा लिखा जाता है, बस इसी बात के बिना बात के नंबर दे रहा है बेटे। इंस्टीट्यूट अपने आप पर बैठा है सिर्फ, वो कह रहा आओ नंबर ले जाओ नंबर ले जाओ, लेकिन हम ही नहीं जाते, हम डर के मारे इंस्टीट्यूट के पास नंबर मांगने जाते नहीं, यही दिक्कत है। अगर हम सिंसियरली पेपर दें तो मतलब ही नहीं होता कि हमारे नंबर कम से कम 80 ना आए, हमें 80 नंबर मिलते हैं बेटे, लेकिन कठिनाई वही है कि हम लोग डर जाते हैं, हमें लगता है दुश्मन ताकतवर है और इसी चक्कर में हम घबरा कर लौट आते हैं, ऐसा नहीं करना।
आइए हम आगे चलते हैं। जो बेटे ये था, ये तो था न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में क्या है कि हमारे पास हम एवरेज कैसे निकालेंगे। आइए जी इधर दिखा दीजिए, इधर दिखाइए, हम लोग अपने पास एवरेज कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर की वेटेड एवरेज कैसे करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि हमारे पास ओपनिंग बैलेंस ऑफ शेयर्स कितना था। हमारे पास इतने ओपनिंग बैलेंस ऑफ शेयर्स थे और शेयर्स इश्यूड, हमने जितने और शेयर इश्यू कर दिए उन शेयर्स को हमने यहां पर लिख दिया कि हमने इतने शेयर और इश्यू कर दिए। ये टाइम बेसिस का मतलब क्या है अभी डिस्कस करता हूं। और बोनस शेयर बिना टाइम बेसिस के आपने यहां पर निकालने हैं, तो ये हमारे पास एवरेज निकल कर आती है। और मैंने कहा अगर ये शेयर्स पार्टली पेड हो तो आप ये सारी कैलकुलेशन रुपयों में भी कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा इस बात को समझाने के लिए। ठीक है सर, आप ऐसा ही करो, एक एग्जाम्पल ही ले लो बेटे। पेज नंबर देखेंगे 820, पेज नंबर 820 क्वेश्चन नंबर है P7, क्वेश्चन नंबर है P7। इन अप्रैल 2004 अ लिमिटेड कंपनी इश्यूड 1,20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। एक लिमिटेड कंपनी ने अप्रैल 2004 में 1,20,000 शेयर्स इश्यू कर दिए ऑफ 100 ईच। ₹50 पर शेयर वॉज कॉल्ड अप ऑन दैट डेट विच वॉज पेड बाय ऑल द शेयर होल्डर्स। रिमेनिंग 50 वॉज कॉल्ड अप ऑन 1st of September 2004। ऑल द शेयर होल्डर्स पेड द अमाउंट इन सेप्टेम्बर 2004 एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर हैविंग 24,000 शेयर्स। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹2,64,000 आफ्टर डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ऑफ 64,000। 2,64,000 में से प्रेफरेंस का डिविडेंड और सीडीटी घटाने के बाद प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, घटाने के बाद प्रॉफिट दिए हुए हैं 2,64,000। कंप्यूट बेसिक अर्निंग पर शेयर फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2005 एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 20। आपने AS 20 के हिसाब से अर्निंग पर शेयर निकालनी है कि आपकी अर्निंग पर शेयर कितनी है। बेटे फिर से दो ही काम करने पड़ेंगे। दो काम कौन कौन से करने पड़ेंगे, हमें अपने पास कैलकुलेशंस के अंदर दो ही चीजें ढूंढनी है, एक तो अर्निंग्स ढूंढनी है और दूसरी उसकी एवरेज ढूंढनी है। बस देखो अब इसका आंसर कैसे लिखूंगा मैं, सॉल्यूशन। वाराणसी से मेरे पास आंसर आ भी गया ₹3, लेकिन मुझे डाउट है शायद उन्होंने किताब से चिपका रखा है। अच्छा हिसार बेटे मैं सवाल लिख देता हूं अभी आपको, लेकिन मैं थोड़ा सा फैंसी तरीके से लिख दूंगा। तो लो बेटे जिनके पास किताब नहीं है, हमने अप्रैल 2004 में एक, हमेशा अगर डेट ना दे रखी हो तो फर्स्ट डेट मानते हैं, हमने 1 अप्रैल 2004 को 1,20,000 शेयर्स इश्यू किए ऑफ ₹100 ईच, जिसमें से ₹50 हमने कॉल्ड अप भी करवा लिए और पेड अप भी करवा लिए, यानी हमने ये अमाउंट पेड अप कर लिया। रिमेनिंग 50 वॉज कॉल्ड ऑन 1st of September 1 सितंबर 2004 को हमने बाकी का अमाउंट कॉल्ड अप एंड पेड अप कर लिया। कॉल्ड अप एंड पेड अप हमने ₹50 इन लोगों से फिर से कॉल कर लिए और पे कर लिए। फिर क्या हुआ, वो कहता है ऑल शेयर होल्डर्स पेड द अमाउंट इन सितंबर 2004, उन्होंने सबने यहां पर पैसे दे दिए एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर होल्डिंग 24,000 शेयर। इसका मतलब हमको 1,20,000 में से 24,000 लोगों ने पैसे नहीं दिए, तो 96,000 शेयर होल्डर्स ने हमें पैसे दिए यहां पर। इसका मतलब एक कंपनी ने यहां पर इतने शेयर इश्यू किए, इतने पर रिसीव कर लिए, इस डेट को इतने पर उसने कॉल किए, 24,000 शेयर पर पैसे नहीं मिले, बाकी पर पैसे मिल गए। फिर वो कहता है कि नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, पूरे साल का प्रॉफिट कितना था, 2,64,000 हमारा नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी था, 2,64,000 नेट प्रॉफिट था। और वो कहता है जी ये जो नेट प्रॉफिट था ये कितने पीरियड का था, एक साल का, फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च आफ्टर डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर।
इसमें से ऑलरेडी घटा हुआ है प्रेफरेंस का डिविडेंड और उसका सीडीटी 64,000 का, पहले से घटा हुआ बेटे ध्यान से सुनना, नेट प्रॉफिट में घटा हुआ है प्रेफरेंस का डिविडेंड 64,000 रुपए का और वो आपसे बेसिक अर्निंग पर शेयर मांग रहा है। वो कह रहा है बच्चों बेसिक अर्निंग पर शेयर बताए, तो अब यहां लिखें बेसिक अर्निंग पर शेयर। आप एग्जाम में कैसे करेंगे, वहां लिखेंगे सॉल्यूशन। ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, कई बच्चों के पास हिसार में किताब नहीं थी तो इसलिए मैंने क्वेश्चन लिखा है। तो बेसिक अर्निंग पर शेयर बेटे सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला बताओ क्या है, अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज ऑफ इक्विटी शेयर्स। अर्निंग्स का फॉर्मूला लिखो, नेट प्रॉफिट उन्होंने आपको दे दिया आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड एंड सीडीटी 264,000, ये उसने आपको बता दिया नेट प्रॉफिट सीडीटी और प्रेफरेंस का डिविडेंड घटाने के बाद कितने रुपए का है 264,000। आज आंसर नहीं आ रहे वैसे, अब तक तो आपका आंसर आ जाना चाहिए था, सिर्फ दो तीन जगह से आंसर आया है, वाराणसी अलवर और गाजियाबाद से। माइनस प्रेफरेंस का डिविडेंड, माइनस प्रेफरेंस का डिविडेंड, माइनस प्रेफरेंस का डिविडेंड 64,000, प्रेफरेंस का डिविडेंड 64,000। साउथ एक्सटेंशन वाले बच्चों तुम उदास मत हो, सवाल करो। मैंने प्रेफरेंस का डिविडेंड घटाने लगा था, मैंने कहा चलो घटाऊंगा तो फिर ये कुछ ना कुछ इनमें जोश आएगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, 264,000। और इसके बाद आती है वेटेड एवरेज ऑफ शेयर्स, वेटेड एवरेज ऑफ शेयर्स। बेटे ये बताओ हमने 1 अप्रैल को शेयर इशू किए थे, 1 अप्रैल को शेयर इशू किए, जानते हो कितने, अब मैं इसकी एवरेज निकालना चाहता हूं। 1 अप्रैल 2004 को हमने 1,20,000 शेयर इशू किए थे। बेटे अगर शेयर पार्टली पेड हो तो पता नहीं कभी 50 मांग लेते हैं, कभी 25 मांग लेते हैं, इसलिए आप हमेशा कितने रुपए लेकर चले, यहां पर हमेशा लेकर चले कितने रुपए, जितने रुपए पेड अप है कि 1,20,000 शेयर पर एक कंपनी के पास 1,20,000 इंटू 50 इतने के उसके पास शेयर्स हैं, जो उसके पास 12 महीने तक आउटस्टैंडिंग रहे 12/12। इसका मतलब ये कि बेटे इतने शेयर्स किसी कंपनी के पास थे, इतना पेड अप था, क्योंकि कोई अलग अलग पेड अप है, कभी कोई पेड अप होता है कभी कोई पेड अप होता है, तो दिस बिकम्स माय शेयर कैपिटल, तो दिस वाज माय कैपिटल विच रिमेन्ड आउटस्टैंडिंग फॉर द कंप्लीट ईयर। इसका मतलब बेटे 1,20,000 इंटू 50 रुपए जो पेड अप है ये पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहे, ये पूरा साल। थोड़ा सा ऊपर करके दिखा दीजिए, डायग्राम भी साथ साथ में चाहिए रियाज, बस छोड़ दो। हाँ, इसका मतलब बेटे ये वाला अमाउंट पूरे साल तक आउटस्टैंडिंग रहा, ये पूरे साल तक आउटस्टैंडिंग रहा। तो मैंने कहा ठीक है 1,20,000 इंटू 50 ये पूरे साल तक आउटस्टैंडिंग रहा, तो ये कितना बन गया, ये हो गया 60 लाख। ध्यान रखना अब ये रुपीज है, अब ये नंबर्स नहीं है, अब ये रुपीज है। और फिर उसके बाद हमने 1 सितंबर को हमने 96,000 शेयर्स के ऊपर, 96,000 शेयर्स के ऊपर, क्योंकि इसमें से कुछ लोगों ने पैसे दिए नहीं, 96,000 शेयर पर इतने समय तक हमारी कैपिटल रही, जानते हो कितनी कैपिटल रही, 50 रुपए। और ये कितने पीरियड तक रही, जरा ये पीरियड गिनते हैं, सितंबर से लेकर आज तक कितने महीने बन जाते हैं, 7 महीने, 7/12। तो मेरे पास ये अमाउंट पता कितना निकल कर आएगा, ये अमाउंट निकल कर आएगा 96,000 इंटू 50 इंटू 7/12।
ये आ गया जी 28 लाख रुपए। तो अपने पास आप क्या कर लो, अपने पास आप 88 लाख रुपीज की एवरेज शेयर कैपिटल लिखो। ये आ गए मेरे पास एवरेज शेयर कैपिटल। बेटे ये शेयर्स रुपीज में है। अब आप इसके इक्वलेंट, अगर एक शेयर 100 रुपए का है तो इसके इक्वलेंट शेयर्स निकालो, इक्विवेलेंट नंबर्स। बेटे अगर 88 लाख रुपए की कैपिटल हो तो इक्वलेंट नंबर कितने हो जाएंगे, 88,000 नंबर्स। इतने नंबर है नहीं, ये थ्योरेटिकली निकाले जाते हैं कि 88,000 नंबर्स हैं। अब आप बता सकते हैं कि आपकी बेसिक अर्निंग पर शेयर कितनी है, तो बेसिक अर्निंग पर शेयर निकल कर आएगी 264,000 डिवाइडेड बाय 88,000। हालांकि आपने 3-3 रुपए आंसर मुझे लिखकर भेजा था, लेकिन मैं फिर भी चेक कर लूं एक बार कि आपने क्या ठीक आंसर भेजा था। और हाँ, आपका आंसर बिल्कुल ठीक निकला बेटे, क्या खुशी की बात है, आपने बिल्कुल ठीक आंसर बता दिया बेटे इस बार तो, कि यही उसकी अर्निंग पर शेयर है। इसका मतलब ये हुआ कि बेटे हम लोगों को अपने पास शेयर्स को लेना पड़ता है समय के हिसाब से। हम समय के हिसाब से काम करते हैं कि मेरे पास कितनी कैपिटल, फरीदाबाद बेटे इतनी कैपिटल 12 महीने तक आउटस्टैंडिंग रही, इतनी कैपिटल हमारे पास 7 महीने आउटस्टैंडिंग रही। इसका मतलब ये कि हम लोग अपने पास औसत देखते हैं कि मेरे पास कितनी कैपिटल ड्यूरिंग देयर आउटस्टैंडिंग रही। अगर 100 रुपए का एक शेयर है तो इक्वलेंट नंबर ऑफ शेयर्स 88,000 है, तो मेरी बेसिक अर्निंग पर शेयर आ गई 3 रुपए। अच्छा, अब एक बार डायग्राम दिखा दीजिए। गोरखपुर वाले बच्चे कह रहे हैं सर बताओ हम नालायक हैं कि नहीं। बेटे इसमें कोई प्रूफ देने की आवश्यकता ही नहीं, आप बहुत बड़े नालायक हैं। नालायक होना कोई बुरी बात थोड़ी ना है, हम सभी नालायक हैं। इसलिए मत सोचना कि मैं नहीं, हम सभी नालायक हैं। लेकिन फिर भी इस नालायकों की भीड़ के अंदर आप लोग भी अपना अपना स्थान जीवन में इकट्ठा कर लेना। इस सीए की लाइन के अंदर अब आप आ ही गए हो तो अच्छी प्रकार से दुनिया को दिखा देना कि हाँ आप किसी से कम नहीं हो, क्योंकि बेटे ये जन्म बार बार मिलना नहीं। और जन्म को छोड़ो, इस जीवन के अंदर भी मैं तो मानता हूं कि जीवन के जो कुछ पार्ट्स हैं उन्हीं के अंदर आदमी काम कर सकता है। ना तो आप बचपन में काम कर सकते हैं और ना बुढ़ापे में काम कर सकते हैं। अभी आप में एनर्जी और ताकत है और अभी की मेहनत आपके जीवन के नक्शे को बदल देगी। इसलिए आपने अच्छी तरह मेहनत करके जाना बेटे सीए के इम्तिहान में, कहीं भी कोई कंजूसी नहीं करनी है मेहनत करने के अंदर, ठीक है ना। तो ये हमारे पास अर्निंग पर शेयर थी, डायग्राम दिखा दिया क्या आपने। हाँ जी, हाँ बेटे, जयपुर वालों ने हमेशा हमेशा मुझे बताया है कि सर आप हमारा आंसर देखकर बोलते नहीं। बेटे जयपुर वाले बच्चों ने बिल्कुल पूरे के पूरे सेशन में हमेशा ठीक आंसर भेजे हैं बेटे, उन्होंने कभी भी गलत आंसर नहीं भेजा, मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है जयपुर बेटे, हाँ सर, हाँ चलो आगे, चलो जी आगे चलते हैं। हम एक सवाल और भी करके देखते हैं और अब हम जो सवाल करेंगे वो क्वेश्चन कौन सा है, वो है जी क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 818, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें एक बोनस शेयर्स आ रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा करेंगे। चलो 3 से पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर P1, फिर P2, फिर P3। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर P1 देखें। P1 पेज नंबर है इसका 817। ए लिमिटेड प्रोवाइड्स यू, वो लेके आना बैटरी का सेल। ए लिमिटेड प्रोवाइड्स यू विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर 2002 फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग पर शेयर। बस उसने आपसे सब चीजें तो मांगी ही नहीं, सिर्फ क्या मांगी है, वेटेड एवरेज। फटाफट से दौड़ चालू है बेटे, फटाफट दौड़ना शुरू करें। ठीक है,
हाँ जी, आपको वेटेड एवरेज ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग उन्होंने मांग रखे हैं कि वेटेड एवरेज निकालनी है, और मेरे पास यहां पर गोरखपुर चंडीगढ़ से आंसर आ गया है। ये दुख की बात है कि बेटे किताब से चिपका कर भेजा हुआ आंसर लग रहा है मुझको, आईएमए का आंसर भी किताब से चिपकाया हुआ है, और सूरज आपने भी किताब, सब बच्चे किताब से चिपका चिपका कर आंसर, और किताब का आंसर गलत है, इसलिए पता चल जाता है साफ साफ किताब का आंसर चिपका रखा है। आओ हम इसका आंसर खुद निकालें। हाँ, फरीदाबाद वालों, बच्चे ने भी चिपका के भेज दिया, सबके सब नालायक। लो बेटे, हिसार वाले बच्चे जरा यहां ध्यान देंगे, सिर्फ वेटेड एवरेज मांगी है, और उसने कहा है कि नंबर ऑफ शेयर्स जो यहां पर थे वो थे 9000, ये 1/1/2002 है, और हमने 31 मई को यहां पर 31 मई को हमने इशू कर दिए 3000 शेयर्स, और 1/11 को हमने बाय बैक कर लिए, वापस कर लिए, वापसी होता है इशू करना, ये वापसी कर लिए शेयर 1500। और वो कहता है जी बताइए हमारे पास कितने शेयर्स हैं। अरे रियाज तुम नहीं हो क्या? अच्छा, मुझे, मैं भी, अच्छा अभी तो रियाज ही था ना पहले। हाँ जी, वेटेड एवरेज निकालनी है, वेटेड एवरेज ऑफ शेयर्स। अंकुश जी आपका आंसर थोड़ा सा अलग है, गुड़गांव आपका आंसर भी अलग है, साउथ एक्सटेंशन वालों का आंसर भी अलग है, गाजियाबाद का आंसर भी अलग है, और पारकन का आंसर भी अलग है, आईएमए से शिखा का आंसर भी अलग है, और सबके आंसर अलग अलग। पहले शुरू शुरू में किताब के आंसर थे तो सब इकट्ठे थे, अब सबके आंसर अलग। अब मेहनत कर रहे हो आप लोग, बहुत अच्छी बात है। आइए जी, 9000 शेयर्स थे मेरे पास 1/1/2002 को। अब बेटे चूंकि ये सारे ही शेयर ऑफ 10 ही हैं तो बात खत्म, ये मेरे पास पूरे साल तक आउटस्टैंडिंग रहे, इंटू 12/12 9000। फिर हमने 31 मई को इशू कर दिए 3000 शेयर जो इतने टाइम तक हमारे पास रहे। बेटे हमने एवरेज करनी है ना, तो यहां से लेकर यहां तक मेरी एवरेज आ जाती है। जरा बताइए 31 मई से यहां तक कितने महीने जाते हैं? मई तो खत्म हो गई, 5 महीने खत्म, 12 में से 5 गए 7, 7 महीने बेटा 12, तो मेरे एवरेज निकला है ना। सर ये एवरेज कैसे हो जाती है? ये देखो ना, 3000 शेयर 7 महीने तक रहे तो 12 महीने में कितने रहे बेटा? 12 करके एवरेज हो गई, 7 * 21 = 12, 1750। और बेटे 1/11 को हमने बायबैक कर लिए, ध्यान रखना बायबैक मतलब कैपिटल कैंसिल कर दी, 1500 कैपिटल हमने हटा दी, इसका मतलब हटा दी तो कितने समय तक कैपिटल हटा दी आपने, माइनस कर दो इसको, ये आ गया नवंबर दिसंबर 2 महीने, 2/12 कैपिटल हटा दी, तो पता कितनी हो जाएगी, 1500 × 2/12, 1500 × 2/12, 250 कैपिटल हटा दी, तो हमारी औसत कैपिटल कितनी निकलाई, 10500। ये हमारे पास आ गई वेटेड एवरेज, कि इतनी हमारी वेटेड एवरेज है। ये 9250 अगला आंसर है क्या? अरे नालायक, अब मुझे क्या पता हो कि आप अगले आंसर भेज रहे हो, मैं तो कह रहा हूं गलत आंसर भेज दिया, वो कह रहे हैं जी हम तो अगला आंसर भेज रहे थे आपको, इसका मतलब किताब का आंसर ठीक था। सर इसको हम किसी और प्रकार से भी कर सकते हैं? हाँ किसी और प्रकार से भी कर देते हैं, करके दिखाऊं? हाँ सर किसी और प्रकार से भी करके दिखाओ, सब बच्चे देखेंगे। बेटे हमारे पास 9000 शेयर थे तो 9000 शेयर कितने टाइम तक रहे? यहां तक रहे, इसका मतलब यह कि 9000 शेयर रहे फॉर हाउ लॉन्ग, यहां से लेकर
यहां से लेकर यहां तक मेरे पास कितने शेयर्स रहे? 9000 फॉर 5 मंथ्स. तो मेरे पास 9000 शेयर रहे. 9000 इंटू 5/12 3750. 3750. फिर उसके बाद हमने 3000 शेयर इश्यू और कर दिए, तो बेटे जानते हो मेरे पास 9 और 3 12000 शेयर हो गए फॉर नेक्स्ट 31 मई से 1/11 तक. गिनना जरा कितने महीने आते हैं, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, बस 5 महीने तक हमारे पास रहे 12000 शेयर्स. 12000 इंटू 5/12 5000. और फिर उसके बाद 1500 शेयर हमने कम कर दिए, तो 10500 शेयर रहे फॉर 2 महीने. 10500 शेयर, 10500 इंटू 2/12 1750. तो हमारे पास कितनी कैपिटल रही एवरेज? 1750 जमा 5000 जमा 3750 10500. जो मन भाए वो तरीका करो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है. P2. हाँ जी, P2. P2 में वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं बच्चों, बी लिमिटेड सबमिट्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज ऑफ नंबर ऑफ शेयर. बेटे जिनके पास बुक्स नहीं है वो ध्यान से सुना करो, मैं मुद्दे की बात को धीरे पढ़ूंगा, बाकी आलतू फालतू बातें फटाफट पढ़ दूंगा. बी लिमिटेड सबमिट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज ऑफ नंबर ऑफ शेयर. हमें वेटेड एवरेज निकालनी है फॉर आउटस्टैंडिंग शेयर फॉर द पर्पज ऑफ ईपीएस. ईपीएस के लिए वेटेड एवरेज चाहिए. मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग कितने थे? 9000. नंबर ऑफ शेयर्स आउट इश्यूड ऑन 31st of October, हमने 31 अक्टूबर को और शेयर इश्यू कर दिए, 3000 शेयर इश्यू कर दिए, लेकिन इनसे मात्र 5 रुपए ही लिए आपने. खत्म हो गया क्या? बस खत्म. आपको क्या ढूंढनी है इसके अंदर? आपने इसके अंदर वेटेड एवरेज ढूंढनी है. बेटे बताओ, 4 4 नंबर के सवाल. मुझे तो लगता है कि इंस्टीट्यूट को वैसे ही दे देने चाहिए. इंस्टीट्यूट को क्या कहना चाहिए? बेटे तुम पेपर देने आ जाना, बस लिख देना कि तुमने AS 20 पढ़ रखा है, 4 नंबर ले जाना, बिना बात के 4 4 नंबर. मेरा तो दिल ना उदास हो जाता बेटे. अगर यही हाल रहा तो पढ़ाना बंद कर देंगे, बच्चे आना बंद कर देंगे. बच्चे बोलेंगे यही सवाल आने तो यही सीखना इनसे. कई बच्चे तो आज ऐसे ही परेशान लग रहे हैं, कह रहे हैं क्या मतलब हुआ, यही सिखाना था हमको, ये एवरेज सीखने के लिए आए हैं. वो अपने आप को धिक्कार रहे हैं बार बार कि यही सीखने के लिए आए हैं. बेटे क्या करूं, मैं तो खुद सोच रहा हूं कि क्या होगा हमारा, यही सवाल आते रहे तो खत्म है बेटे. मैं तो अपना कोई नया धंधा ढूंढना शुरू कर दूं. CA के अंदर तो बच्चे पढ़ने ही नहीं आएंगे, सबको कहेंगे इसमें कोई जान ही नहीं है. अब बेटे आप तो आ ही गए हो तो कोई बात नहीं, आप तो कर ही लो. ठीक है, आओ मेरे साथ साथ हम जरा फटाफट से अब P2 का सवाल भी कर ही ले. अब बेटे क्या करूं, मैं तो कराऊंगा ही ना. और अब मैं बोल रहा हूँ बेटे बड़ा मुश्किल सवाल है, बड़ा मुश्किल सवाल है. मैं ऐसा बोलूंगा, ठीक है ना, तो आपको लगना चाहिए है नहीं है, मैं बोलूंगा लो बेटे ध्यान से करो, एक बहुत मुश्किल सवाल आपके सामने आया है. क्या है इस सवाल में? हमारे पास 1/1/2001 को 9000 शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे और 31 अक्टूबर 2002 को हमने इश्यू कर दिए 3000 शेयर्स और ये हमने 5 रुपए रिसीव किए हैं, जबकि ये शेयर ऑफ ₹10 ईच थे. ये तो पहले से ही पड़े थे फेस वैल्यू. और आपने इसके अंदर क्या बतानी है मुझको? एवरेज बतानी है. और मेरे पास कहां कहां से आंसर आ गया है? मेरे पास आंसर आ गया है पार्क एंड वाराणसी, IMA पार्क एंड गुड़गांव, गाजियाबाद, जयपुर, गोरखपुर. जयपुर का दोबारा भी आंसर आया है और पार्क एंड गोरखपुर, प्रीतमपुरा. बेटे प्रीतमपुरा का आंसर आ गया. और तो और बेटे क्या बताएं आपको,
बस अब तो आगे आंसर देखने बेकार है, प्रीतमपुरा ने भी आंसर भेज दिया। आप तो बताइए मेरे पास वेटेड एवरेज कितनी होगी, 9000 × 12/12, क्योंकि बेटे कोई 5 का है कोई 10 का है, तो इसको कैपिटल को रुपीज में निकाल लेते हैं। हाँ रुपीज में निकाल लेते हैं, तो कितना हो गया 90,000। फिर उसके बाद हाँ जी हमने इशू कर दिए 31 अक्टूबर को 3000 शेयर्स इंटू 5 रुपए वाले, तो 31 अक्टूबर से कितने दिन बनते हैं गिनो, अक्टूबर खत्म हो गया, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, नहीं नहीं ये तो कहां तक जाना है, जनवरी तक, नवंबर दिसंबर, बस दो महीने। अच्छा तो ये कितना हो गया 3000 × 5 × 2/12, ये आ गया 2500। तो मेरी एवरेज वेटेड एवरेज ऑफ कैपिटल, नंबर नहीं ये कि रुपए हैं, 92,500। और अगर एक शेयर 10 का हो तो वेटेड एवरेज ऑफ नंबर्स इक्विवेलेंट 9250 शेयर्स। एक बच्चा कह रहा है सर आपने डेट गलत लिखी है। नहीं मैंने डेट बेटे मैंने तो किताब की डेट मिलाकर लिखी है, और मेरा आंसर किताब से मिल भी गया है, इसलिए हमने आप बिल्कुल अपनी बिल्कुल ठीक ठीक लिखी है, हिसाब बेटे डेट ठीक लिखी हमने। अच्छा अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर P3 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर P3 में क्या है, हाँ जी P3 में क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू ए लिमिटेड, कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर फॉर प्रेजेंटेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 2001। कहता जी आपने अर्निंग पर शेयर निकालनी है। आइए जी सवाल थोड़ा सा लंबा है और हम इसके अंदर अपनी अर्निंग पर शेयर को निकाल कर दिखाएंगे। P3 मुश्किल नहीं है, कहीं आप धोखे में पड़ जाओ। P3 पेज नंबर 818। अमाउंट एक बच्चे ने बोला सर क्या फ्रैक्शन में आ सकता है, बिल्कुल बेटे शेयर फ्रैक्शन में आ सकते हैं, कोई कठिनाई की बात नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ रेशियो के लिए चाहिए होता है, इसके अंदर कहीं कोई फ्रैक्शन का चक्कर नहीं है, आती है फ्रैक्शन तो आने दो। अच्छा फिर मैं कह रहा हूं द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू ए लिमिटेड, कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर फॉर द ईयर 2001, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग ऑन 1 जनवरी 2001, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग जो है बिगिनिंग में 1/1/2001 को हमारे पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स है, 2,000,000 शेयर्स आउटस्टैंडिंग है। ऑन 1 अक्टूबर 2001, अ बोनस ऑफ 2 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 1 इक्विटी शेयर वॉज गिवन, 10,00,000 का बोनस दे दिया, नहीं नहीं 40,00,000 बन जाएगा ना, 2 बोनस दिए हमने, तो 20,00,000 पर कितना बोनस दिया हमने, 40,00,000 का हमने बोनस दे दिया, ये हमने बोनस शेयर इश्यू कर दिए बेटे, ठीक है ना, फ्री में शेयर दे दिए। और वो कहता है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2001 कितना है, 60,00,000, और पिछले साल का भी प्रॉफिट उसने बता दिया, पिछले साल का प्रॉफिट है 18,00,000। हाँ जी बेटे पिछले साल की तो बात बाद में करते हैं, पहले हम इस साल की बात कर लें, हम इस साल अपनी अर्निंग पर शेयर निकालना चाहते हैं, इस साल अर्निंग पर शेयर कितनी कितनी होगी। आइए जी हम अपने पास अर्निंग पर शेयर निकालते हैं कि अर्निंग पर शेयर कितनी कितनी बनेगी। बेटे सुनो जरा यहां पर, आप इधर एक बार दिखाएंगे कि निकपा रियाज इधर 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 इधर, हाँ बेटे हमारा इंस्टीट्यूट कहता है कि बोनस शेयर्स पर कभी भी टाइम का आंकड़े से एवरेज नहीं करनी चाहिए, बाकी शेयर्स पर तो टाइम की एवरेज करो लेकिन बोनस शेयर पर कभी भी टाइम की एवरेज नहीं करो, क्योंकि ये शेयर्स बिना कंसिडरेशन के होते हैं,
क्योंकि इसके बदले में कोई भी कंसिडरेशन नहीं मिलती है, इसलिए वो कहता है इनके लिए ये डेट रेलेवेंट ही नहीं है। ये प्रैक्टिकली समझ लो शुरू से इश्यू कर रखे हैं, ये मान लो, क्योंकि बोनस से कंपनी के पास प्रॉफिट्स ऑलरेडी होते हैं, उन प्रॉफिट्स में से कंपनी बोनस निकालती है वो। इसलिए हमारा इंस्टीट्यूट कहता है इससे पैसे तो आते नहीं, जब पैसे आते नहीं तो मैं कैसे कह दूं शेयर इश्यूड है। रियलिटी में तो ये है कि ये शेयर प्रैक्टिकली फ्री में बांटे गए हैं, तो कहता है ये मानकर चलना पड़ेगा कि हमारे लिए ये शेयर शुरू से इशू कर रखे थे। और शुरू भी कितना, वो कहता है जितना पुराना जानकारी दे रखी है, जैसे कि मेरे पास यहां पर 2 साल की जानकारी है, वो मान कहता है मानना पड़ेगा कि शेयर 2 साल पहले, अगर ये 3 साल पहले की जानकारी होती तो आप मानते कि आपने 3 साल पहले बोनस निकाल दिया, अगर ये 5 साल पहले की जानकारी होती तो आप 5 साल पहले बोनस निकाल देते। वो कह रहा जी बोनस हमारे लिए सिर्फ एक मैथमेटिकल वैल्यू है, ये रियलिटी में कोई कंसिडरेशन पर तो मिलता नहीं है, इसलिए वो कहता है इसके लिए आप मानकर चलो कि ये शेयर्स कंपनी के पास शुरुआत से ही थे, इसलिए इसकी डेट हमेशा इररेलेवेंट है। इसकी डेट वो जोन सी मर्जी डेट बता दे, जैसे उसने 1-10 बता दी, 1-11 बता दो, कोई भी डेट बता दो, बोनस की डेट बिल्कुल बेकार है। बोनस जब भी दिया जाएगा, समझ लो भगवान कृष्ण का आशीर्वाद है ये। बोनस का मतलब ये कि इस सवाल में शुरुआत से आपको उसे लेकर चलना है। अगर सवाल 2 साल का है तो 2 साल के बिगिनिंग से पहले, अगर सवाल यहां से शुरू होता है तो यहां से, मतलब जहां से सवाल मिलेगा उसकी बिगिनिंग से आप मानकर चलेंगे, क्योंकि हम प्रूडेंट हैं, हम समझदार हैं, हम कह रहे हैं साहब ये फ्री में शेयर इशू कर रखे हैं, मानकर चलो कि ये शेयर बिगिनिंग से इशू कर रखे हैं, तो हमारी अर्निंग पर शेयर क्या होगी वो निकालनी है। आइए जरा मेरे साथ साथ अब दोनों सालों की अर्निंग पर शेयर आपने निकालकर दिखानी है कि अर्निंग पर शेयर कितनी कितनी आएगी। सबसे पहले मैं अर्निंग पर शेयर निकाल रहा हूं फॉर द ईयर 2001। एक बच्चा नालायक कह रहा है सर अगर बोनस यहां पर होता तो फिर बेटे ये वाला साल भी सवाल में दिया होता, फिर आपको सवाल के अंदर ये बता देता अगर बोनस यहां होता तो फिर इसकी भी जानकारी होती, फिर मैं अर्निंग पर शेयर में ये जो बोनस है वो यहां से मान के चलता, यहां भी बोनस का इफेक्ट लेता, यहां भी लेता, यहां भी लेता। इसका मतलब बोनस जब भी आएगा आप शुरू से ही लेकर चलेंगे, बिकॉज बोनस का हमारे साथ कोई भी कंसिडरेशन नहीं होती, इसलिए हम उसके अंदर प्रूडेंट होकर शुरू से लेकर चलते हैं, उसको जितने सवाल साल का डाटा है उन सभी सालों में लेकर चलते हैं। आइए मेरे साथ साथ, मुझे तो आंसर भेज दिए बड़े सारे बच्चों ने, अब मुझे जरा फटाफट से बताइए बेसिक अर्निंग पर शेयर 2001 में अर्निंग्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज, अर्निंग्स कितनी है 60 लाख और वेटेड एवरेज कितनी है, बेटे मेरे पास 20 लाख शेयर थे इंटू 12/12 इंटू 12/12 और इसके साथ बोनस जोड़ दो 40 लाख, और बोनस के लिए तो वैसे ही 12/12 शुरू से मान के चलते हैं, बोनस हम क्या मानते चलते हैं शुरू से, तो बेटे इसका मतलब ये हो गया कि हमारी अर्निंग पर शेयर कितनी आ गई 60 लाख डिवाइडेड बाय 60 लाख, ओ 1 रुपया बेसिक अर्निंग पर शेयर। प्रीत व्यार से अमन ने आंसर भेज दिया है, हिसार से भी आंसर आ गया और गोरखपुर से ईश्वर का भी आंसर आ गया, और ईश्वर का साथ में उसने लिखा है ईश्वर कृपा, तो बेटे बिल्कुल ईश्वर कृपा तो हम सब पर हमेशा बरसती रही है। आगे लिखेंगे हम लोग अपने पास कि बेसिक अर्निंग पर शेयर 2000। अब मुझे बताइए अर्निंग्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज, हाँ जी कितनी कितनी होगी, पिछले साल की बात कर रहा हूं सर, पिछले साल तो 18 लाख रुपए था, डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करना पड़ेगा हमको, डिवाइडेड बाय पिछले साल भी तो 20 लाख के शेयर्स रहे होंगे, ये वाले शेयर पिछले साल भी तो रहे होंगे हाँ, और बोनस भी तो पिछले साल हम कंजर्वेटिव होके लेके चलते हैं कि बोनस ही पिछले साल रहा होगा, तो आइए हम जरा रेशियो देखें, रेशियो क्या निकलती है, ये आ गई 18 लाख डिवाइडेड बाय 60 लाख 30 पैसे, तो 30 पैसे हम लोगों को निकालनी है और 30 पैसे अर्निंग पर शेयर हो गई। एक बच्चे ने कहा सर आप क्यों निकाल रहे हो 2000 की रेशो, उसने मांगे आपसे 2001 की है, और चलो फिर क्या हो गया फालतू ही काम करके आ रहा हूं,
समझाने के लिए उस किताब में नहीं लिखा हुआ कि हाँ 2000 को निकालो, तो आप 2000 को तब भी निकालेंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका मतलब बेटे ये मैंने आपको बातें बताई कि अभी तक कुछ भी मुश्किल था ही नहीं। एक पॉइंट अभी और बताना है। हाँ सर, एक पॉइंट तो आप हमें और बता ही दीजिए कि आपने और क्या बताना है। बेटे हमारे पास किस प्रकार से अर्निंग, ये नोट नंबर 3 लिखेंगे अब हम लोग, तो मैं इधर लिखूं क्या, नोट नंबर थ्री। लो बेटे पहले लिख लो नोट नंबर 3, लिखें राइट शेयर्स। क्या होते हैं बेटे, जो भी हमारी कंपनी में शेयर इशू किए जाते हैं, किस पे, सस्ते शेयर इशू किए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं राइट शेयर्स। ठीक है ना, मिटा दो बेटे ये वाली चीज। हाँ जी मिटा दो सर, कहीं से मैसेज आया नहीं। तो लिखिए एनी कंपनी इश्यूज राइट शेयर्स। राइट शेयर्स होता है बेटे कंसेशनल शेयर्स। राइट शेयर्स होते हैं कंसेशनल, सस्ते शेयर। प्रीत व्यार बेटे यहां कोई लिक्विडेशन का काम ही नहीं है, इससे आप लिक्विडेशन वाली जो क्वेरी भेज रहे हैं उसका कोई भी यूज नहीं है। हाँ जी, वेन एवर कंपनी इश्यूज राइट शेयर्स दैट इज कंसेशनल शेयर्स कॉमा फॉलोइंग स्टेप्स आर अप्लाइड। नंबर वन, कैलकुलेट मार्केट प्राइस एक्स राइट्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स प्री राइट्स इनटू मार्केट प्राइस कम राइट्स प्लस राइट शेयर्स इनटू राइट प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स आफ्टर राइट्स। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट बोनस पार्ट इन राइट्स। बोनस पार्ट निकालें, जिसका तरीका क्या है, लिखें बोनस पार्ट इज इक्वल टू राइट शेयर्स माइनस राइट शेयर्स इनटू राइट प्राइस डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस एक्स राइट्स। कैलकुलेट बीईपीएस कॉमा कंसिडर बोनस पार्ट विदाउट टाइम एंड पेड पार्ट ऑन टाइम।
ये जो ब्रैकेट लगाई थी इसको पेड पार्ट कहा जाता है, एंड पेड पार्ट ऑन टाइम। ये जो मैंने आपको लिखवाया है ये सीए फाइनल की बातें लिखवाई हैं, लेकिन क्या करें बेटे, सीए फाइनल की चीजें भी आपको कहीं वो पूछ ले, तो हमने कहा जरा फटाफट से आपको ये भी लिखवा दें ताकि हमारी समस्याएं खत्म हो जाएं कि इसके अंदर ये चीजें भी आपको आनी चाहिए। मुश्किल कुछ भी नहीं है बेटे, बस आपको पता होना चाहिए क्या चीज है। गाजियाबाद और कानपुर बेटे जो हमारा बोनस है, हमारा इंस्टीट्यूट कहता है कि बोनस चूंकि लेने से रेशो गिरती है, तो प्रूडेंट अप्रोच ये है कि बोनस जब भी आए शुरू से लेकर चलो, क्योंकि इसके पैसे तो होते नहीं, इसे अपने पास रेशो को सबसे कम दिखाने के उद्देश्य से, ताकि लोगों को पागल ना बनाया जा सके, वो रेशो कम हो जाती है ना बोनस की वजह से, जब आप डिनोमिनेटर को बढ़ा देते हैं तो रेशो गिर जाती है, तो इसलिए वो कहता है शुरू से ही लेकर चलो, कंजर्वेटिव अप्रोच है, इसलिए हम लोग शुरू से ही लेकर चलते हैं, वर्ष 2000 में इसलिए हमने ली थी। एक बच्चा कहता सर हमने फाइनल का पेपर नहीं देना, इसलिए ये मत कराओ बेटे, ये चीजें छोड़ दो, हम आपको ये नहीं छुड़ा पाएंगे, क्योंकि मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि थोड़ा बहुत तो सेफ्टी मार्जिन होना चाहिए ना, कि कभी इंस्टीट्यूट ने आसान पूछने बंद कर दिए, उसने राइट का सवाल डाल दिया तो क्या लिख के आओगे, इसलिए हमको कर लेने में कोई बुराई नहीं है। बेटे मैं आपकी इंतजार कर रहा हूं, देखता हूं कौन सा सेंटर पहले लिखता है, आज बेटे प्रतियोगिता चल रही है, देखते हैं कौन से सेंटर वालों ने सबसे पहले लिखा, देखते हैं देखते हैं देखते हैं, साउथ एक्सटेंशन सबसे पहले लिख लिया, गोरखपुर आईएमए इन्होंने भी लिख लिया, वेरी गुड, गुड़गांव पार्क एंड, और देखते हैं और किनों किनों ने लिखा है, बस जी बस सब ने लिख लिया, अब तो अलवर वालों ने भी लिख लिया है, बस प्रीतमपुरा वाले बता दें कि लिख लिया तो हम आगे चले, क्योंकि सबसे धीरे धीरे लिखने वाले कौन, प्रीतमपुरा, हिसार वेरी गुड, जनकपुरी बहुत अच्छे, और लो जी लो प्रीतमपुरा वालों ने लिख दिया तो काम खत्म हो गया। हाँ जी छोड़ो बेकार की बात, पता नहीं क्या लिखा है ये इतना लंबा चौड़ा, देख के डर लग रहा है। हाँ सर हमको तो लगा बेकार, सब कुछ अच्छा लग रहा था, अचानक इस फॉर्मूले को देख के डर लगना शुरू हो गया, पता नहीं क्या है, इतना बड़ा फॉर्मूला है इसका, तो मित्र रावण इतना बड़ा है, लेकिन क्या उससे कोई डरता है, छोटे छोटे बच्चे भी आजकल पुतले को आग लगा देते हैं उसकी, इसलिए आप बिल्कुल आसान चीज करने जा रहे हैं, जरा मेरे साथ साथ आपको छोटी छोटी बातें डिस्कस करनी है। मैंने इसे छुपा दिया, मैंने कहा ना ये दिखे ना आप उससे डरो, बात ही खत्म। बेटे मैं आपको बताऊं कल मैं कहां गया, हाँ हाँ सर आप बताओ कल आप कहां गए, कल मैं क्लास खत्म करके अपने एक दोस्त की दुकान पे गया, ये है मेरे दोस्त की दुकान, सर वो दोस्त आपका क्या बेचता है, बेटे उसकी शर्ट्स की दुकान है। अच्छा कल उसकी शर्ट्स की दुकान है, हाँ उसकी दुकान पे बड़ी सारी शर्ट्स रखी हुई है, बड़ी सारी शर्ट्स रखी हुई है, कल मैं उसके पास गया, मैंने कहा भैया ये शर्ट कितने कितने की है, उसने कहा तेरे लिए 100 रुपए की शर्ट है, उसने मुझे बताया 100 रुपए की शर्ट है, मैंने कहा मेरे लिए क्या, लिखा भी तो 100 रुपए हुआ, वो शर्ट है ही 100 रुपए की थी, उसने 100-100 रुपए की मुझे शर्ट दिखाई, उसने कहा ये देखो इतनी सारी शर्ट्स है, मैंने कहा ये तो बड़ी सस्ती शर्ट्स है यार, तुम ऐसा करो तो मेरे को ना 10 शर्ट्स पैक कर दो फटाफट से, मैंने उससे 10 शर्ट्स पैक करवा ली, एक शर्ट कितने की है 100 रुपए की, कितने रुपए बनते हैं बेटे 1000, फिर उसने कहा डिस्काउंट, क्योंकि मैं उसका दोस्त हूँ बेटे, छठी क्लास में हम दोनों इकट्ठे पढ़ते थे, हाँ हम दोनों छठी क्लास में इकट्ठे पढ़ते थे, अरे तुम नालायक, ये शर्ट कौन सी कंपनी की है, कहाँ से आई, कैसे कैसे बच्चे हैं, हाँ ऐसे तोड़ना होता है, शर्ट वाले की दुकान का एड्रेस पूछ रहे हैं, कह रहे हैं पुरानी शर्ट है कि नई शर्ट है, तुम्हें उससे क्या मतलब, मेरे दोस्त की दुकान के बारे में तुम कुछ उल्टा पुल्टा नहीं कह सकते, 900 रुपए के अंदर मैं शर्ट खरीद के कल रात और घर पहुंचा, बेटे मैं अपने घर आया तो मेरे पास कितनी शर्ट थी बताओ रियाज, तुम बताओ बेटे मेरे पास कल कितनी शर्ट खरीद के लाया, मैं 10 शर्ट लेकर आया, अब ये बताओ मुझे एक शर्ट कितने की पड़ी, फटाफट से बताओ एक शर्ट कितने रुपए की पड़ी, मेरी पत्नी ने आते ही कल मेरी क्लास लगाई, उसने कहा कहाँ गए थे, मैंने कहा शर्ट खरीदने के लिए, वो कह रही कितने रुपए की लाए, मैंने कहा 90 रुपए पर शर्ट,
हर शर्ट कितने रुपए की है? 90 रुपए की है। और कितनी शर्ट्स मैं लेकर आया हूं? 10। इसका मतलब मैं कितने रुपए का सामान खरीद लेकर घर पहुंचा? मैं पहुंचा 900 रुपए का सामान पहुंचकर। जानते हो, मैं इस बात को ऐसे भी बोल सकता था, बोलने का तरीका देखना बेटे, मैं ऐसे भी बोल सकता था अपनी पत्नी को कि मैं 9 शर्ट खरीद के आया 100-100 रुपए की। हाँ, बात तो सही है कि मैं 100-100 रुपए की शर्ट लाया। कितने शर्ट लाया? 900 रुपए की, और एक शर्ट फ्री लाया। क्या ये बात गलत है? वही बात है बेटे, आप चाहे ये बोले 10 शर्ट लाए 90 रुपए की, चाहे बोले 9 शर्ट लाए पूरे मूल्य की, बाकी शर्ट लाए फ्री की, बात तो एक ही है। बस अगर ये बात समझ में आती है कि मैं डिस्काउंट को ऐसे भी बोल सकता हूं और ऐसे ही बोल सकता हूं, तो राइट समझ में आ जाएगा। और ये आपको पता चल ही रहा है बेटे, डिस्काउंट बोलने के दो तरीके हैं। डिस्काउंट 10% बोल दो तो शर्ट 90 रुपए की हो जाती है, और ऐसे बोल दो कि मैं 900 रुपए देकर आया। जरा देखो तो सही, मैं 900 रुपए देकर आया, और अगर एक शर्ट का प्राइस 100 रुपीज है तो मैंने कितने शर्ट्स के पैसे दिए? पेड फॉर। बेटे मैंने 900 रुपए दिए, अगर एक शर्ट 100 रुपए की है तो पेड फॉर 9 शर्ट्स, और बोनस मिला मुझको 1 शर्ट। इसका मतलब मुझे 10 शर्ट्स टोटल मिली, एक शर्ट फ्री में मिल गई, 9 शर्ट्स मुझे मैं पैसे देकर आया। अब ये बच्चे हमसे बेकार बेकार बातें कर रहे हैं जिसका मैं कोई भी जवाब नहीं दूंगा। ये शर्ट चाइनीज है या शर्ट जापानीज है? ये शर्ट कहां से मिलती है और इस शर्ट की दुकान का नाम क्या है? क्योंकि ये सब सवाल दायरे से बाहर है, हम अपने मुद्दे पर रहे। मैं यहां पर भारी अमाउंट लेके बैठ जाता, 1799 रुपए की शर्ट लेकर आया तो ज्यादा दिक्कत होती समझाने में। मैंने अपनी सरलता देखनी है, और शर्ट की कंपनी और ब्रांड आपको नहीं देखने हैं। आप भी सरलता पूर्वक समझने का ध्यान दो, आपको क्या लेना देना कि 90 रुपए की शर्ट है कोई और शर्ट है। अच्छा, अब बेटे आइए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, और उस एग्जाम्पल के अंदर हम लोग अपने पास ट्रीटमेंट करेंगे, आप उस एग्जाम्पल को लिखेंगे। बस यही काम मैं समझाऊंगा, और कुछ नहीं समझाऊंगा। ये शर्ट वाला एग्जाम्पल मैं अभी बाद में किस पर ले आऊंगा? राइट पर ले आऊंगा। आप मेरे साथ साथ एग्जाम्पल लिखेंगे, लिखें एक एक 2001 को ओपनिंग बैलेंस है 10,000 शेयर्स का, नालायक कह रहे हैं ये शर्ट 100 रुपए वाली पहनी है आपने, ब्लैकबेरी की शर्ट है और 100 रुपए की शर्ट ना दी उन्होंने। चलो आगे। हाँ जी, ओपनिंग बैलेंस कितना है? 10,000 शेयर्स का, और यहां पर मिडल में 1/10/2001 को कंपनी ने राइट शेयर्स निकाला। राइट होता है सस्ता, शेयर्स निकाले, 1,000 शेयर्स का इश्यू निकाला एट द रेट ऑफ, किस रेट पर? 20 रुपए का। उसने 20 रुपए का शेयर निकाला जबकि इसका मार्केट प्राइस 25 रुपए है। बेटे राइट सस्ता होता है हमेशा, इसका मतलब ये कि जो शेयर का प्राइस है वो 25 रुपए है, और कंपनी ने इश्यू कितने का निकाला? 20 रुपए का निकाला। और मैंने आपसे कहा, मैंने कहा बेटे हमारे नेट प्रॉफिट जो है वो 1,00,000 के हैं, तो मैंने कहा जी बेसिक अर्निंग पर शेयर बतानी है, आइए हम बेसिक अर्निंग पर शेयर निकालें। हाँ जी, तो ये हमारा हो गया नेट प्रॉफिट 1,00,000 का, और मेरे पास 10,000 शेयर्स थे, और हमने राइट शेयर निकाले 1,000 शेयर्स ऑफ ₹20 ईच, और उसका मार्केट प्राइस कितना है? 25 रुपए। आइए बेटे हम क्या करें? कुछ भी नहीं सर, ये 1,000 शेयर्स का ही तो चक्कर है, नेट प्रॉफिट तो निकाल ही लिया, ओपनिंग बैलेंस बताओ। ओपनिंग बैलेंस 10,000 शेयर्स थे, 12/12 ये तो हो गए 10,000,
और मैंने आपसे कहा, मैंने कहा ये सारे शेयर्स फुली पेड अप हैं, मैंने आपसे कहा कि राइट इश्यू का और हिसाब करेंगे राइट शेयर्स का। मिट्टी राइट शेयर का, सब बच्चे ध्यान दें, काश राइट शेयर को भी हम आम शेयर्स की तरह ट्रीट करते तो इसे 6/12 लेता और बात बन जाती। लेकिन राइट शेयर्स को ऐसे नहीं ट्रीट करना। राइट शेयर्स में हमारा इंस्टीट्यूट कहता है इसके अंदर राइट शेयर में जो बोनस शेयर्स है वो 12/12 लेने हैं, क्योंकि राइट में कुछ फ्री है और कुछ पेड है। वो कहता है पेड को तो 6/12 ही लेना है, लेकिन राइट शेयर्स में से कुछ शेयर्स फ्री हैं, वो फ्री यहां आएंगे और जो फ्री नहीं है वो शेयर्स यहां पेड पार्ट में आएंगे। इसका मतलब आपको पहले ये ढूंढना पड़ेगा कि हमारे पास कितने शेयर्स हमारे राइट में फ्री है। इसे स्प्लिट करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा मुझको, मेरे को 1000 शेयर्स के भीतर स्प्लिट करके निकालना पड़ेगा कि मेरे पास कितने शेयर्स बोनस के हैं। जैसे बेटे शर्ट वाले एग्जांपल की बात करो, आप शर्ट में कैसे ढूंढते थे अपना पेड पार्ट्स। मैंने भी फॉर्मूला लगाया था शर्ट वाले एग्जांपल में, मैं दुकानदारों कितने रुपए देकर आया था, 900 रुपए देकर आया था। एक शर्ट कितने रुपए की थी, 100 रुपए की थी, तो मैं 9 शर्ट के पैसे देकर आया था। सेम इसी प्रकार से कंपनी ने 1000 शेयर्स इशू किए हैं 20 रुपीज वाले, कंपनी ने शेयर इशू किए हैं 1000 शेयर 20 वाले, इसका मतलब कंपनी ने 20,000 रुपए लोगों से लिए। कंपनी ने 20,000 रुपए लोगों से लिए। सीए साहब, अगर एक कंपनी 20,000 रुपए लोगों से लेती है और उसे लेने 25 रुपए चाहिए, तो अब ये बताओ हमारा पेड पार्ट कितना निकला। बेटे जैसे शर्ट्स का एग्जाम्पल था, बिल्कुल वही एग्जाम्पल चल रहा है। शर्ट में भी आपने क्या किया था, 90 रुपए की शर्ट 10 शर्ट्स खरीदी थी और एक शर्ट का सही मूल्य ये था सस्ता मूल्य, कि सस्ती शर्ट कितने की थी, ये थी सस्ती शर्ट, ये थी संख्या नंबर्स, और ये था उसका एमआरपी जो होना चाहिए था। तो आपको पता चल गया था कि कितने शर्ट्स के पैसे देकर आए हो। आपने ये फॉर्मूला लगाया था, वही फॉर्मूला मैं अब लगा रहा हूं। मैं कह रहा हूं अगर एक कंपनी 20 रुपए का सस्ता शेयर देती है और 1000 शेयर वो टोटल दे रही है, और अगर उन शेयर का सही मूल्य 25 रुपए है, तो कंपनी ने 800 शेयर्स के ही पैसे लिए। इसका मतलब ये, अगर उसने 800 शेयर्स के पैसे लिए तो इसका मतलब 800 शेयर्स ये हैं, और 1000 में से अगर 800 में कंपनी पैसे ले रही है तो 200 के पैसे नहीं ले रही है। जिसके पैसे नहीं ले रही कंपनी, हमारा सीए शूट कहता है वो शेयर जिसके पैसे नहीं लिए जा रहे वो तो आपका बोनस हो गया, बोनस के लिए डेट इररिलेवेंट है, और जिसके लिए आप पैसे ले रहे हैं उसके लिए डेट रेलेवेंट है, यानी 400। तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए, 10,600 आ गए, आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब बेटे समस्या क्या है कि आपके पास अगर ये राइट ना होता, ये पब्लिक इशू होता, अगर ये पब्लिक इशू होता तो पब्लिक इशू, हाँ बेटे मैं दोबारा से समझा रहा हूं, लुधियाना और गोरखपुर दोबारा से देखिएगा। अच्छा, ये डेट गलत लिखी हुई है इसलिए आप मुझसे कह रहे हैं, ये लो। हाँ वो डेट गलत लिखी हुई थी। अच्छा बेटे आप मेरी बात सुनो, अगर ये पब्लिक इश्यू होता तो डेट रेलेवेंट होती, फिर बात ही खत्म हो जाती, फिर हम कहते ठीक है 1/10 से हम उसका आंसर निकाल देते कि इतने पीरियड की एवरेज निकाल दो। अगर ये पब्लिक इश्यू होता तो आपको दिक्कत नहीं थी, अगर ये बोनस इश्यू होता तो भी आपको दिक्कत नहीं थी, बोनस होता तो आप पूरे साल के लिए ले लेते। लेकिन ये समस्या ये है कि राइट है, राइट का मतलब कुछ बोनस कुछ पेड, इसीलिए मुझे पहले इसे तोड़ना पड़ता है कि इस शेयर का मार्केट प्राइस है 25 रुपए, कंपनी दे रही है 20 का, तो मुझे इस 1000 शेयर को तोड़ करके दिखाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि मैं 1000 शेयर को पहले स्प्लिट करूंगा, वही वाला फॉर्मूला बेटे, हम दुकान से सस्ती शर्ट लाते हैं इतने नंबर्स, अगर दुकानदार मुझसे सही पैसे लेता तो मैं इतनी शर्ट ही खरीद पाता,
इसका मतलब ये कि दिस इज द पेड पार्ट्स। असल में हम अगर 900 रुपए देकर आ रहे हैं, 100 रुपए की एक शर्ट हो तो हम 9 शर्ट के पैसे देकर आ रहे हैं, क्योंकि ला रहे हैं 10 शर्ट तो एक शर्ट फ्री है। वही चीज यहां पर लिखी हमने। जरा मेरे साथ साथ यहां पर फॉर्मूला देखें। मैंने कहा बेटे बोनस पार्ट को स्प्लिट करना पड़ेगा, तो मैंने कहा बोनस पार्ट इन राइट कैसे स्प्लिट करना है। बोनस के अंदर आपको पहले देखना है कि कंपनी ने 1000 शेयर्स ऑफर किए, कंपनी ने 1000 शेयर्स ऑफर किए, और कंपनी ने 1000 शेयर किस भाव पर ऑफर किए, इंटू रुपीज ट्वेंटी। और अगर मान लीजिए मार्केट प्राइस है 25 रुपए, तो इसका मतलब कंपनी ने इतने पैसे, तो 800 शेयर के पैसे ले लिए, 1000 में से 800 शेयर के पैसे ले लिए, तो फ्री में कितने शेयर दिए, 200। जो फ्री वाले शेयर्स हैं उन पर डेट नहीं चाहिए, और जो पेड वाले शेयर्स हैं उन पर डेट चाहिए। बस इतनी सी बात है, और तो कुछ है ही नहीं। एक बच्चे ने कहा है सर क्या राइट महंगा नहीं हो सकता। बेटे राइट का मतलब ही सस्ता होना है। आप मेरे बच्चे हो और मैंने आपसे कहा, मैंने कहा बेटे क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट्स हो, और इसलिए बेटे जो कैलकुलेटर बाजार में 500 रुपए का है, मैं आपको, क्योंकि बेटे आप मेरे छात्र हो, मैं ये 500 रुपए की चीज आपको अधिकार देता हूं कि आप मेरे से खरीद सकते हो 600 रुपए के अंदर। खरीदोगे? मैं आपसे कह रहा हूं बेटे आप मेरे स्टूडेंट हो, आपको अधिकार है कि मेरे से तुम 500 की चीज 600 की ले सकते हो। आप बोलोगे कमाल की बात करोगे, अधिकार कहां से है? अधिकार हमेशा सस्ते शेयर का हो सकता है, महंगे का अधिकार हो ही नहीं सकता। मैं आपको बोलूं बेटे आपके पास अधिकार है 500 का शेयर 500 में ले सकते हो, आप तब भी बोलोगे सर हम पागल थोड़े ना, 500 का शेयर 500 में लेंगे और कहेंगे अधिकार है। अधिकार पता क्या होगा? मैं बोलूंगा बेटे 500 की चीज आपका अधिकार है, आप 400 में ले सकते हो, ये तो हुआ अधिकार। लेकिन अगर मान लो महंगे दूंगा तो अधिकार कहां से हो गया इसके अंदर। इसलिए राइट हमेशा हमेशा सस्ता होगा ही होगा, और ये इसी प्रकार से स्प्लिट करना पड़ेगा। सर लेकिन ये मार्केट प्राइस जो है, ये जो एक्स राइट है, ये मार्केट प्राइस हमारे पास ये कहां से आएगा? भाई हमारे पास मार्केट प्राइस जो है ये कुछ भी नहीं, ये एक एवरेज प्राइस है। कंपनी के पास राइट से पहले कितने शेयर थे, राइट से पहले कंपनी का प्राइस क्या था, ये एवरेज प्राइस निकाल रहा हूं मैं। कंपनी के पास राइट से पहले इतने शेयर थे, कंपनी का राइट से पहले भाव ये था। तो कंपनी के पास पहले ये पैसे थे, राइट थे, और अगर मान लो इतने शेयर्स और आ गए हमारे पास राइट के, तो फिर हमारी औसत एवरेज प्राइस क्या हो गया। ये असल में मार्केट प्राइस एक्स राइट जो है, ये हमारा एवरेज प्राइस है कि हमारे पास राइट से पहले, जैसे होता नहीं है, मैं इसे बोलू राइट से पहले प्री राइट जमा राइट बटा में दो, यही फॉर्मूला कर रखे हमने। लेकिन हमने इसे कैसे लिखा, हमने कहा राइट से पहले इतने शेयर थे और ये प्राइस था, राइट में इतने शेयर इश्यू कर दिए इतने प्राइस के, अगर टोटल राइट के शेयर इतने हैं तो मेरा मार्केट प्राइस राइट का कितना हो गया। ये हमारा एक तरीका है उसको ढूंढने का। आई में बेटे जो आपने डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स की बात करी है वो सीए फाइनल में, ये एएस हम सीए फाइनल में पढ़ाते हैं, तो 3 क्लास लगती है वहां पर, जहां पर हम उसकी बड़ी चर्चाएं करते हैं। तो यहां पर तो हम फिर भी थोड़ी सी बात फाइनल की कर रहे हैं, हम ये भी बात फाइनल की है लेकिन थोड़ी सी बात मार्जिन ऑफ सेफ्टी कर रहे हैं हम, कि अगर कभी इंस्टीट्यूट ने पूछा तो ये पूछ सकता है, इसलिए हम यहीं तक सीमित रहेंगे। मेरे साथ साथ एक सवाल करेंगे सभी बच्चे। अच्छा इसको तो पूरा कर दो सर, ये लो ये तो पूरा हो गया, ये 10,400 शेयर्स हैं, तो बेसिक अर्निंग पर शेयर कितनी आ गई, 1,00,000 बटा 10,400। नाइन पॉइंट सिक्स वन। एक्स राइट और कम राइट बेटे वो होते हैं राइट से पहले का और राइट के बाद का भाव, यानी राइट एक्स मतलब एक्सक्लूडिंग राइट, राइट निकल जाने के बाद का भाव, और कम राइट मतलब राइट निकलने से पहले का भाव। मैं भी एक सवाल कराता हूं, वहां पर इसको डिस्कस करता हूं, आप मेरे साथ साथ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पी फोर।
फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू ए लिमिटेड. वो कहता है जी ए लिमिटेड की उन्होंने आपको जानकारी दे रखी है, जिसमें वो क्या कहता है, कहता है कैलकुलेट द अर्निंग पर शेयर. वो कहता है आपको अर्निंग पर शेयर वर्कआउट करनी है कि हमारी अर्निंग पर शेयर कितनी है. नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है हमारे पास, हमारे नंबर ऑफ शेयर्स है 5 लाख, नेट प्रॉफिट पिछले साल का है 11 लाख, नेट प्रॉफिट इस साल का है 15 लाख. इन अर्ली 2001 कंपनी मेड अ राइट ऑफर ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड. 1/5 का कंपनी ने राइट निकाला. राइट इश्यू प्राइस वॉज रुपीज 15 पर शेयर. जो राइट का प्राइस था वो 15 रुपए पर शेयर था. लास्ट डेट फॉर एक्सरसाइजिंग द राइट वॉज 1 मार्च 2001. हमारे पास ये लास्ट के अंदर 1 मार्च को एक्सरसाइजेबल है. इमीडिएटली प्रायर टू क्लोजर ऑफ राइट, राइट से पहले द मार्केट प्राइस वॉज 21 रुपीज. यानी मार्केट प्राइस राइट से पहले मतलब कम राइट्स कितना प्राइस था 21 रुपए. राइट शेयर्स वर फुली सब्सक्राइब्ड. हम लोगों ने क्या करना है इसके अंदर, अपनी अर्निंग पर शेयर निकालनी है. पहले डायग्राम बनाकर सवाल समझाएंगे. क्वेश्चन नंबर है P4. के लिए आंसर निकालना है. 2000 का आंसर मैं कॉम्प्लीमेंट्री निकालूंगा. नंबर ऑफ शेयर्स यहां पर हैं 5 लाख. और नेट प्रॉफिट जो हमारे पास यहां पर है वह है नेट प्रॉफिट 11 लाख. और अगले साल का नेट प्रॉफिट है 15 लाख. कंपनी ने 1 मार्च 2001 को कंपनी ने राइट इश्यू निकाला. कितने का? 1 फॉर एवरी 5. तो 1 हर 5 के बदले में, तो कितने का राइट आ गया जी? 1 लाख शेयर्स का राइट आ गया. 5 लाख को 1 शेयर. राइट का प्राइस कितना है? ₹15. और मार्केट प्राइस कम राइट मतलब राइट से पहले, कम राइट मतलब पहले क्यूमुलेटिव राइट से पहले का मार्केट प्राइस था ₹21. बेटे हमें पहले का नहीं चाहिए होता है, हमें तो अपने पास राइट के दिन एक्स राइट चाहिए होता है. इसका मतलब उसने आपको मार्केट प्राइस कम राइट दिया है, हमें कम राइट नहीं चाहिए. और वो कहता है राइट शेयर्स वर फुली सब्सक्राइब्ड. राइट शेयर्स हमारे पूरी तरह से सब्सक्राइब हो गए. सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझको ये राइट शेयर्स को स्प्लिट करना पड़ेगा. इसे स्प्लिट करना पड़ेगा कि इसमें बोनस कितना है और उसमें पेड पार्ट कितना है. 1 लाख शेयर्स में स्प्लिट करना पड़ेगा. बोनस को हम कब से लेंगे? बोनस जितना भी आएगा शुरू से लेंगे, नो टाइम. हमारा एएस कहता है जी बोनस के लिए टाइम रेलेवेंट नहीं है. क्योंकि एक बच्चे ने पूछा, क्योंकि बेटे कंसिडरेशन नहीं आती, कंपनी को पैसे नहीं मिलते, 1 मार्च को पैसे नहीं मिलते, इसलिए 1 मार्च बेकार है. और जब कंपनी को पेड पार्ट्स पैसे मिलते हैं तो टाइम रेलेवेंट हो जाएगा. तो राइट को 2 भागों में बांटना पड़ेगा और कुछ नहीं है इसके अंदर. आइए सॉल्यूशन करें. सबसे पहले ढूंढो मार्केट प्राइस एक्स राइट. एक्स राइट मतलब उसने तो पहले का भाव बता रखा है ना राइट का, बाद का भाव चाहिए. बेटे कंपनी में अगर हमारे पास पहले पहले 5 लाख शेयर थे तो पहले
प्राइस क्या था? 21 रुपए। बेटे शेयर भी पुराने लिए, भाव भी पुराना लिया कि पहले ये था। बेटे हमें तो आज का प्राइस चाहिए ना, ये तो पहले के भाव दे रखे हैं। और कंपनी ने अगर आज 1,00,000 शेयर निकाल दिए 15 रुपए आज के रेट पर, तो बताइए कंपनी के पास औसत 6,00,000 शेयर हैं, तो कंपनी का एवरेज प्राइस कितना आ गया? कंपनी के पास 5,00,000 शेयर थे 21 के, कंपनी ने 1,00,000 शेयर दे दिए 15 के और, तो कंपनी का एवरेज प्राइस कितना आ गया? कंपनी का एवरेज प्राइस कितने रुपए आ गया? चंडीगढ़ से आंसर आया 20 रुपए। मैं चेक कर लूं एक बार, बीस रुपए। इसे बोलते हैं आज का भाव, एक्स राइट। ये तो मुझे काम करना ही था, अब मुझे बताना है आपने पेड पार्ट। पेड पार्ट मतलब बेटे कंपनी ने अगर 1,00,000 शेयर इश्यू कर दिए 15 रुपए के भाव पर, तो 1,00,000 शर्ट्स 15 के भाव पर बिकी, बिकनी चाहिए थी 20 के भाव पर, तो बताओ कितनी शर्ट्स के पैसे कंपनी ने ले लिए? रवि जी अगर कंपनी ने 1,00,000 शर्ट्स बेची 15 के भाव पर, बेचनी थी 20 के भाव पर, तो कंपनी ने इतने पैसे उसके गल्ले में आए, गल्ला समझते हैं कैश बॉक्स, उसकी गल्ले में आए इतने पैसे, और 20 रुपए के हिसाब से आते तो कितनी शर्ट्स के पैसे आए? ये आ गया जी 15 लाख डिवाइडेड बाय 20, 75,000। तो कंपनी ने 75,000 के पेड पार्ट्स, दिस इज पब्लिक इशू, ये पब्लिक इशू है क्योंकि कंपनी ने इतने शेयर इशू किए और इनसे पूरे पूरे पैसे ले लिए, और फ्री में कितने शेयर इशू किए? बोनस इशू 25,000। अगर मान लीजिए अब मैं इसका आंसर निकालना चाहूं तो आंसर निकल सकता है। इसका आंसर कैसे निकलेगा? अब आप फटाफट से रेशियोज निकाल लें। 2001 की बेसिक अर्निंग पर शेयर 2001, हाँ जी 2001 में हमारे पास प्रॉफिट कितने का था? प्रॉफिट था हमारे पास 15,00,000 रुपए का, डिवाइडेड बाय हमारे पास तब शुरुआत में शेयर्स कितने थे? तब थे हमारे पास 5,00,000 शेयर जो पूरे साल तक मेरे पास रहे, इनटू 12/12। कंपनी ने बोनस निकाल दिया 25,000 शेयर्स का, बोनस को भी आप क्या लेते हैं? 12/12। और कंपनी ने 75,000 शेयर्स का इश्यू निकाल दिया, और 75,000 का जो इश्यू निकाला वो निकाला उन्होंने फॉर कब निकाला था उन्होंने? 1 मार्च को, तो महीने गिन लो, मार्च अप्रैल जनवरी फरवरी छोड़ दो, बस 10 महीने इसे सॉल्व कर ले। 2 रुपए 55 पैसे, 6 आंसर है। और एक और रेशियो निकालनी है हमने, बीईपीएस पिछले साल की, पिछले साल की रेशियो, हालांकि पिछले साल निकल चुकी, दोबारा निकाल कर दिखाएंगे। 11 लाख पिछले साल 5,00,000 शेयर थे, और बोनस को साथ जोड़ लो बेटे, बोनस तो मैंने कहा ना बोनस जब भी आएगा शुरू से आएगा, तो मेरे पास इसकी रेशियो कितनी हो जाएगी? ये आ गया हमारे पास 1 रुपया 87 पैसे, रुपीज। ये हमारे पास आ गई बेसिक अर्निंग पर शेयर बेटे, कौन से साल की? पिछले साल की, कि पिछले साल की रेशियो कितनी कितनी थी? पिछले साल 11 लाख ये था, 5 लाख ये था, बोनस को और जोड़ दीजिए। इसको कई लोग एडजस्टेड रेशियो भी बोलते हैं, एडजस्टेड रेशियो, एडजस्टेड बेसिक अर्निंग पर शेयर, कि पिछले साल की रेशियो एडजस्ट कर दी हमने, और वो एडजस्टेड रेशियो कितनी क्या आ गई हमारे पास? 1 रुपया 87 पैसे। तो इस तरह से बेटे ये रेशियोज निकाली जाती हैं।
जिसके अंदर हम लोग अपने पास इस तरह कॉम्पिटिशन करते हैं। ये गलत है क्या? मेरे पास आप ही ने भेजा था 1 रुपया 87 पैसे, अब वो कह रहे हैं जी कि नहीं आपने चिपकाया है। बेटे मैंने आप ही का आंसर देख के चिपकाया है, किताब में तो इसका आंसर, किताब में तो इसका आंसर ही नहीं है। कह रहे हो किताब से चिपका है, किताब में तो इसका आंसर ही नहीं दिया हुआ। अच्छा वाराणसी से आंसर आया था, चलो ठीक है, वाराणसी वालों ने कह दिया हाँ सर हमारा आंसर आपने देखा था बस। अच्छा जी, अब हम अपने पास एक तीसरा पॉइंट भी और लिखेंगे बेटे, तो तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे यहां पर इधर, बस एस खत्म। आखिरी चीज करने जा रहे हैं आप, थर्ड पॉइंट, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर लिखें, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर मींस बेसिक अर्निंग पर शेयर। अच्छा डाइल्यूटेड मतलब बेसिक ही होता है, आफ्टर कंसिडरिंग इफेक्ट्स ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। पोटेंशियल इक्विटी शेयर मींस शेयर्स विच आर एक्सपेक्टेड टू, शेयर्स नहीं बोलना चाहिए ये लिखना चाहिए इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स दैट विल, इंस्ट्रूमेंट्स दैट विल गेट कन्वर्टेड इंटू इक्विटी शेयर्स लेटर ऑन। फॉर एग्जाम्पल कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। बेटे गुड़गांव सेक्टर 14 सबसे आगे जो बच्चे बैठे हैं, गुड़गांव सेक्टर 14 सबसे आगे, हाँ जी, तो यहां लिखे आगे डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू अर्निंग्स आफ्टर कंसिडरिंग पोटेंशियल शेयर्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज ऑफ शेयर्स आफ्टर कंसिडरिंग पोटेंशियल शेयर्स, आफ्टर कंसिडरिंग पोटेंशियल शेयर्स। बेटे सुनो, ये है मेरा घर, यहां रखा है रेफ्रिजरेटर, ये है डाइनिंग टेबल और यहां मैं बैठा हूं। मैंने रेफ्रिजरेटर में रखी है खीर, मैं हूं और मेरी पत्नी भी है और मेरे दोनों बच्चे भी बैठे हैं, और यहां पर रखी है हमने खीर,
मैं मात्रा बताता हूं आपको, एक किलोग्राम खीर है ये, एक किलोग्राम खीर है। और मैंने सबको डाइनिंग टेबल पर बिठाया और अभी खीर खानी शुरू नहीं करी है। मैंने कहा भाई अगर हमारे पास 1000 ग्राम, किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम खीर हो और खाने वाले चार हो, तो मैंने कहा 250 ग्राम खीर इनकी है, 250 ग्राम इनकी है, 250 ग्राम इनकी है, 250 ग्राम इनकी है, कोई मुश्किल बात है? इसका मतलब ये कि अगर खीर 1 किलो है और चार आदमी खाने वाले हैं तो ये है। इसे बोलते हैं बेसिक अर्निंग पर शेयर, हर आदमी को कितनी कितनी अर्निंग मिलेगी, कितनी कितनी अर्निंग मिलेगी। अचानक दरवाजे पर दो मेहमान आ गए, मेहमान गेस्ट दरवाजे पर, अभी दरवाजा बंद है, खुला नहीं, बेल बजाई, उन्होंने कहा जी हम अंदर आ जाए। मैंने कहा रुको रुको अंदर, अभी बाहर बाहर ही रुको जरा। मेहमान जी आ गए, अभी खीर हमने खाई नहीं है बेटे, मेहमान जी आ गए हैं, जरा बताओ तो अब मेहमान जी के आने के बाद भी क्या ये खीर सबको 250 ग्राम मिलेगी? जो हम ऑलरेडी खाने वाले थे क्या इनके आने के बाद भी हम 250 ग्राम ही खा पाएंगे? नहीं सर, नहीं। जो हमारी वही खीर खाने वाले व्यक्ति चार तो पहले थे ही, दो और हो जाएंगे तो डाइल्यूट हो जाएंगी, हर एक की थाली में खीर कम हो जाएगी। इसका मतलब ये कि हमारे पास डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, डाइल्यूटेड खीर पर शेयर पर पर्सन, एक व्यक्ति को कितनी खीर मिलेगी? हम अभी मेहमान आए नहीं, हम सोच रहे हैं, मैं अपने घर में उनसे कह रहा हूं। मैंने कहा देखो हमको 250 ग्राम खीर मिलनी है, लेकिन अभी दो मेहमान आ जाए तो हमारे को ये खीर कम मात्रा में मिलेगी। फिर हमारे को, मैं उनसे कह रहा हूं, 160 ग्राम ही खीर मिलेगी एक व्यक्ति को। इसका मतलब ये हो गया कि डाइल्यूटेड सिर्फ एक डराने का तरीका है शेयर होल्डर्स को, कि मैं कहता हूं आप सब शेयर होल्डर हैं बेटे, अब जरा समझिए, आप सब शेयर होल्डर हैं। अब खीर वाला एग्जांपल बड़ा कर दिया, आप सब शेयर होल्डर हैं और मेरे पास यहां बड़े सारे पैसे रखे हैं, नोट की गड्डियां रखी हैं, मैंने सबको डिस्ट्रीब्यूट करना था, आप सबको नोट देने थे। ध्यान रखना बेटे, अगर कुछ नए लोग और जुड़ जाएंगे तो जितने लोग जुड़ते जाएंगे उतने नोट आपके कम होते चले जाएंगे। आप लोग ये सोचते रहेंगे अच्छा ये नोट जब तक बांट नहीं देते तब तक डर बना रहेगा कि कई नए लोग आने पर हमारी रेशियो में गिरावट ना आ जाए। दैट इज कॉल्ड डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। डायल्यूटेड का मतलब होता है नए लोगों को जो अभी आए नहीं है उनके आने के बाद जो हमारी रेशियो में गिरावट होगी उसे हम लोग बोलते हैं डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता सिवाय इसके कि आपके पास उतने ही शेयर्स की संख्या बढ़ जाती है। हम एक छोटा सा एग्जांपल इस पर भी आपको कराएंगे कि कैसे हमारे कन्वर्टिबल शेयर से या कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर या कन्वर्टिबल डिवेंचर से, कन्वर्टिबल डिवेंचर कौन होते हैं? जो मेहमान है, जो हमारे नए लोग हैं, जो नए जुड़ रहे हैं, उन लोगों के आने से हमारे पास कैसे अर्निंग पर शेयर में गिरावट आती है, हम उसके ऊपर एक छोटा सा एग्जाम्पल देंगे। तो आप मेरे साथ साथ एक एग्जाम्पल लिखेंगे, अब खीर वाला एग्जाम्पल थोड़ा ना लिखेंगे, पेपर में खीर वाला एग्जाम्पल थोड़ा ना चलेगा, वहां ये एग्जाम्पल लिखे लिखे ए लिमिटेड हैज प्रॉफिट ₹1 लाख, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ₹1 लाख, उसके इक्विटी शेयर्स हैं 1 लाख शेयर्स, जो हमारे पास आउटस्टैंडिंग है बिगिनिंग से लेकर एंड तक, ये आउटस्टैंडिंग है। और हमारे पास कन्वर्टिबल डिवेंचर्स भी हैं बेटे, कन्वर्टिबल डिवेंचर्स हैं ₹2 लाख के, जिनका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम है। बेटे इस कंपनी के पास कन्वर्टिबल डिवेंचर्स भी हैं, 2 लाख डिवेंचर्स, 2 लाख रुपए के डिवेंचर हैं 12% वाले, टैक्स का रेट है 40%। मैंने कहा कैलकुलेट डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, कैलकुलेट डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। एक
बच्चे ने बोला क्या ईसॉप्स भी पोटेंशियल इक्विटी शेयर होते हैं? हाँ बेटे, जिन जिन से भी फ्यूचर में शेयर आने वाले हैं वो सब पोटेंशियल शेयर्स होते हैं। तो हम एक से समझ लेंगे तो पता चल जाएगा। आप जरा मुझे बताइए कि हमारे पास इसके अंदर रेशियो कैसे निकलेगी। बेटे सबसे पहले तो देखो, हमारे पास 1 लाख की अर्निंग्स हैं डिवाइडेड बाय 1 लाख के शेयर्स हैं। ये हमारी अर्निंग्स हो गई, ये हमारे शेयर्स हो गए। बस मेहमानों को बीच में ले आओ। बेटे अगर डिबेंचर होल्डर वाले डिबेंचर होल्डर ना होते, शेयर होल्डर होते तो क्या होता? ये जो मेहमान है अगर घर पे चले आते तो क्या होता? अगर ये शेयर होल्डर हो जाते तो क्या होता? मैं वैसे बता दूं, इसमें एक चीज और लिखनी पड़ेगी, कन्वर्टिबल इंटू 1000 इंटू 10,000 शेयर्स। बेटे ये 10,000 शेयर्स में कन्वर्टिबल है, ये बात मैं लिखनी रह गई, कन्वर्टिबल इन 10,000 शेयर्स। ये 10,000 शेयर्स में कन्वर्टिबल है। बताओ बेटे अगर ये डिबेंचर होल्डर ना होते तो शेयर्स बढ़ जाते, कितने बढ़ जाते? 10,000। और उधर से मेरे पास उनको फिर डिबेंचर्स का ब्याज भी तो नहीं देना पड़ता, मेरे को कितने का ब्याज बच जाता? 24,000 का, और वो भी 1 माइनस टैक्स रेट, क्योंकि अल्टीमेटली टैक्स भी तो लग जाता ना मुझको। बेटे 24,000 रुपए का मेरे को ब्याज लगता, लेकिन उसके अंदर 40% तो टैक्स वाले ही ले जाएंगे, तो मुझे 60% का यहां फायदा हो गया उसके अंदर। इसका मतलब मेरे पास इतनी अर्निंग्स थी, जब ये डिबेंचर होल्डर इक्विटी वाले बन जाएंगे तो मेरा प्रॉफिट 24,000 से बढ़ जाएगा, लेकिन उस पर 40% टैक्स भी लग जाएगा, तो अल्टीमेटली मेरा न्यूमरेटर ये हो जाएगा, मेरा डिनोमिनेटर ये हो जाएगा। ये मेरी सपनों की रेशियो है, कि मेरी सपनों की रेशियो क्या होगी, 1 रुपया 4 पैसे। मैं फिर भी देख लू, आपने गलत ना निकाल रखा, फिर बाद में आप कहते हैं जी गलत निकाल दिया। 24,000 का 60% जमा 1 लाख डिवाइडेड बाय 1,10,000, 1 रुपया 4 पैसे। इसका मतलब ये हमारी क्या आ गई, डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर की हमारी इतनी रेशियो हमारे पास क्या है, ये रेशियो है। इसका मतलब बेटे सर अगर ये 20,000 होते तो मैं 20,000 कर देता, अगर 20,000 कर दूं तो क्या हो जाएगा जरा बताओ? ये 20,000 कर देंगे तो 20 से आपका आंसर कुछ और हो जाएगा। जितने शेयर है ऊपर तब भी उतना का उतना आता रहेगा। अभी इसके अंदर मैंने 10,000 लिखा हुआ है, तो हमारे पास ये कितना हो गया कि हमारे पास इस रेशियो के हिसाब से इसके अंदर हमारे पास इतने इतनी डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर आएगी। बेटे आपने होमवर्क में करना है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इसी तरह का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन 6 थ्योरी का क्वेश्चन है, और इसके अलावा हमारे पास इसमें और कोई भी क्वेश्चंस नहीं है जो करने वाले हो।